दे वर सम बैड एग्जाम्पल्स दैट वर सीन इन द मार्केट वेयर पीपल वर एक्चुअली ब्लैक मेल्ड टू रिटर्न दैट मनी और दीज प्लेयर्स वर ऑल्सो चार्जिंग लाइक हाई अमाउंट्स ऑफ फीस वगैरह जो कि दिखती भी नहीं होती थी एट द फोर फ्रंट और वह बैकहैंड पे लगती चली जाती थी तो ये तो आई थिंक इट्स इट्स अ क्राइम अगर मैं कोई और चीज़ नहीं ले रहा ना मैं आपसे लंबे लंबे फॉर्म साइन करवा रहा हूँ मेरे पास ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आप भगोड़े नहीं आप भागेंगी नहीं आपको यूर योर है बिचुअल ऑफ यूजिंग दिस फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म फॉर योर पर्सनल यूज़ और फॉर योर बिजनेस यूज अच्छी बात ही होती है किसी टाइम पर आपको चुप ट्रैक है बस सिर्फ एब्जॉर्व करना चाहिए देखना चाहिए सीखना चाहिए इवेंशलीटर ऑन इन लाइफ दैट हेल्प्स यू पीपल डो नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट आर द फंडामेंटल ऑफ अ स्टॉक दे डोंट वॉन्ट टू उन्हें आज कल क्योंकि हमारी जनरेशन भी ऐसी है कि मेहनत जहाँ करनी पड़े ना वह, वहाँ पर तो आप पीछे होके बैठ जाते हैं असलम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ समाइटॉक्स पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं या ऐसे एप्स uh, हैं जो कि बेसिकली फोकस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ दो के हमारी भी अपनी कोशिश है फ्राम दिस प्लेटफॉर्म कि हम आपको एजुके एजुकेट कर सके एडवोकेट कर सके कि आप लोगों को अपनी पर्सनल सेविंग को कैश भी नहीं रखना यू नीट टू इन्वेस्ट वन ऑफ द एप विच इज़ करेंटली अवेलेबल जहाँ पर आप डाउनलोड करके मे बी काफ़ी लोग आप इंस्टॉल करके यूज़ भी कर रहे हो सो आई आईट इन्वाइटेड टू दे तलाल साहब हु इज़ बेसिकली हैड ऑफ़लट एंड लैंड जिंदगी and जे एस वो दोनों एक साथी होंगे ठीक है तलाल भाई thank you very much for coming today. डे uh, एक तो मैं काफ़ी uh, वायद आप ही हैं जिनका एड मैं एक बड़े उस पे देखता हूँ Normally तो हमें सिर्फ बड़े-बड़े रियल uh, स्टेट की ही एड नज़र आ रहे होते हैं But thank you for doing that. But uh, बिफोर गेटिंग इन टू जिंदगी अगर आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे दें वट हैव यू डन थोड़ा प्रोफेशनली आप अपनी जर्नी यहाँ तक बताएँ कि क्या की है आपने चोर थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच लाइक फॉर इन्वाइटिंग मी आई बिफोर आई इवन गेट इन टू एनी थिंग एल्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि आईव आईव सीन दी एपिसोड आई लव वॉट शू डूइंग

Uh, अगर मैं अपनी प्रोफेशनल करियर वाली साइड पे ही आऊँ तो आई एम आई एम एन अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन बाय एजुकेशन सॉरी एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद पी डब्ल्यू सी विच इज़ आल्सो नोन एज ए एफ फर्गसन इन इन इस्लामाबाद आबाद और uh, मेरा काफ़ी लंबा एक अरसा उनके साथ गुजरा जहाँ पे मैंने ऑडिट भी ऑडिट एंड इंश्योरेंस के अंदर काफ़ी टाइम गुजारा अराउंड टू टू थ्री इयर्स एंड उसके बाद मैं बिजनेस कंसल्टेंसी की तरफ मूव uh, कर गया था ऑल्सो लि बिट अबाउट अलॉन्ग साइड दैट मेरे अंदर एक थोड़ी आर्ट्स एंड मीडिया की तरफ थोड़ी इंक्लिनेशन है तो साइड बाई साइड आई वॉज ऑल्सो डूइंग रेडियो तो मैंने कोई टेन ईयर्स ऑफ माई लाइफ मेरे रेडियो भी किया है Uh, लेकिन ये कि वो दैट वाज दैट वाज मोर ऑफ अ थिंग कि जहाँ पे घर का एक कमाऊ पुत था और एक ही बच्चा था बड़ी उम्मीदें थी उससे तो एंड थिंगस व टू गुड तो बड़ी उम्मीद थी तो मुझे डिसाइड करना पड़ा सो आई काइंड ऑफ लेट गो ऑफ दैट और मैं प्रॉपरली फिर अपने प्रोफेशन की तरफ इजीज अब इट वॉज़ इट वॉज मेरी फैमिली में भी कुछ मीडिया के की तरफ इंक्लिनेशन है ज़्यादा तो मुझे भी दिल करता था और uh, मज़ा भी आता था Uh, मुझे भी लोग रेडियो लो, लो पे कॉल करके कहते होते थे यार आपकी आवाज़ <laughs> और मुझे ये गाना सुनने और ये वाली which, सारी बातें होती थी दिस वाज पावर 99 एफएम एफ इधर इस्लामाबाद का ही चैनल है इट्स आल्सो इन सदर्न पंजाब में भी है और इधर के पी साइड पे तो इट्स नॉट लाइक पैन पाकिस्तान बट uh, ये भी था ये कौन सी ड्यूरेशन था था या प्रोग्राम जो दिस वाज 2007-8 से मैंने स्टार्ट किया था आपू थाउजेंड सिक्सटीन हाँ फिर मेरे दफ्तर वाले मुझे बहुत uh, ट्रैवल कराते होते थे ऑडिट एंड कंसल्टेंसी के अंदर आपको क्लाइंट्स के पास जाना पड़ता है तो मुझे uh, फिर मूव करना पड़ा बहुत ज़्यादा एंड वो भी थोड़ा अपसेट होने लग गया वो के पॉइंट जहाँ पर मुझे ये लगता था कि या तो मैं ड्रामों में एक्टिंग करने चला जाऊंगा या मैं बिल्कुल मैं ना एक टेस्ट जॉब पकड़नी है और ऑफ कोर्स द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ जॉब अनफॉर्चुनेटली मैंने उसी को प्रेफर किया और uh, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आई एम वेरी हैप्पी वेर आई एम अल्लाह ताला ने मुझे मेरी जितना मैं हूँ उससे बहुत बेहतर रखा uh, हुआ है आई डोंट थिंक आई एम टू स्मार्ट ऑफ अ पर्सन बट अल्लाह ताला का बहुत करम है सो आई स्टार्टेड विद पी डब्ल्यू सी ऑडिट इंश्योरेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आती होती थी uh, मेरे पुराने कुछ कॉलेग्स होंगे वो मुझे शायद कहेंगे कि के यार अच्छा ये ठीक है इधर चला गया क्योंकि ये कभी भी हो क्योंकि अकाउंटिंग एंड ऑडिट इज़ 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 यू नो एक एक ही आपको एक जोन में रखता है आपको यू हैव टू स्टिक टू अ फ्यू बेसिक्स एंड एंड आई मेरे बहुत सारे कॉलिग्स हैं आई रिस्पेक्ट दम अलॉट वेरी इंटेलिजेंट फोक्स लेकिन वो बस आपको पता होता है ना इट्स इट्स नॉट फॉर यू तो इट वाज इट वाज समथिंग लाइक दैट फॉर मी एंड फिर मुझे कंसल्टेंसी uh, में वहाँ पर एक पार्टनर थे उन्होंने फिर पिक किया एंड ही ग्रूम्ड मी आई आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर के लाइफ में आपके अच्छे और होने चाहिए आई आईव सीन सम वेरी बैड टाइम्स और द ओनली थिंग जिसने मुझे शायद आज तक ठीक uh, रखा है बचाया वो आई थिंक मैंटोर थे तो सो ही ग्रूम्ड मी ऑन द कंसल्टेंसी साइड एंड अराउंड 2016 17 आई थिंक आई मूव टू इजी पैसा एंड वहाँ पे आई वाज वॉज मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से आ रहा था तो आई स्टार्ट ऑफ विद प्राइसिंग तो इजी पैसा की जितने भी प्राइसिंग के फंक्शन थे इजी पैसा जस्ट बिन अक्वायर्ड बाय नॉट अक्वायर्ड बट उसमें शेयर लिया गया था एंड फाइनेंशियल की तरफ से अली अली बाबा की जो सब्सिडी एरी है चाइना में वन ऑफ़ द बिगेस्ट फेंटैक्स तो उन्होंने फोर्टी फाइव परसेंट शेयर लिया था एंड दिस इज राइट अराउंड द टाइम आई वॉज देयर एज़ वेल तो मुझे फ्रॉम द एंड फाइनेंशियल के लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला और uh, uh, तो मैं प्राइसिंग में था एंड द सी स्वीट उस वक्त जो प्राइसिंग uh, को देखते थे उनके पास स्ट्रैटी भी थी mm. तो विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स विद इन अ फ्यू मंथ्स ही आस्क मी टू मूव टू स्ट्रैटी और स्ट्रैटी uh, में कोर्स, uh, शायद इतनी लर्निंग कंसल्टेंसी से मैं आया था तो स्ट्रैटी वॉज समथिंग आई कुड हैव डन और अलहमद uh, मैंने मेहनत बहुत की उस टाइम पर uh, मैं वो उन लोगों में से हूँ जो मेहनत ज़्यादा करके काम पूरा करने की कोशिश करता है आई एम मे बी आई एम नॉट दैट वेल के यू नो बस दो मिनट लगाए और वो नहीं होते जो बच्चे कॉलेज में भी आप देखते हो कि यार पढ़ते ही नहीं और जब ग्रेड्स आते हैं तो देयर लाइक नेक्स्ट लेवल तो uh, मेरे साथ ऐसा नहीं था तो आई आई डेफिनेटली वर्क लॉट हार्डर टू जेल इन एज वेल इन द टन ऑर टाइप कल्चर तो uh, लेकिन इट वॉज ए लर्निंग एंड एज अ स्ट्रैटी पर्सन आई वॉज लीडिंग द स्ट्रेटी फंक्शन और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था फिन टेक और फाइनेंशियल सर्विसज़ की हिस्ट्री में और uh, मैं uh, जो भी इनके मोबाइल वॉलेट्स वाला जो सारा एरा था ये दिस गाइस वर लाइक स्टार्टिंग टू तो रियली ग्रो इन्होंने आई थिंक मेरी आपसे पहले भी थोड़ी बहुत बात हुई थी इसके ऊपर कि इन्होंने स्टार्ट तो ओवर द काउंटर से किया था जहाँ पे गांव रूरल एरियाज़ में uh, कराना स्टोर्स के ऊपर जो मोबाइल की रिटेल शॉप्स होती हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तो वहाँ पर ये सर्विस uh, देना अपनी शुरू कर दी थी इन्होंने लेकिन बाई द टाइम आई वॉज़ देयर mm -hmm. तो तब मोबाइल वॉलेट्स वॉज द इन थिंक अफ्रीका से बड़ी केस स्टडीज़ आई पड़ी थी एंड हमें भी नज़र आने लग गया था कि वाकई में मार्केट में कितना पोटेंशल है कितनी अपटेक है लोग कितना फ़ायदा उठा रहे हैं एंड uh, देन उस वक्त स्ट्रैटी ये भी थी कि और ये हर फिनटेक uh, टेक का और हर फाइनेंशियल uh, सर्विसेज तो नहीं लेकिन हर स्टार्टअप का एक सर्टन एक एंगल होता है कि कस्टमर को पहले एक्वायर करना है उसे हुक् करना है फिर उसे इंगेज करना है एंड देन एंड में आती है कहीं मोनेटाइजेशन इसीलिए आप देखते हैं बहुत सारी फिनटेक्स जो हैं वो कुछ अरसा लेती हैं प्रॉफिटेबल hmm. uh, होने में hmm. तो uh, अब ये वाला वो दौर था जब वी वर डूइंग ल लॉट ऑफ इंसेंटिव्स बड़े रिवॉर्ड्स दे रहे थे मार्केट uh, में अपनी पेनिट्रेशन बढ़ा रहे थे वी ट्राइंग टू मेक इट अउस होल्ड नेम तो uh, अब मेरा अब रोल स्ट्रेटी का था तो मैं के स्टडीज़ पढ़ रहा होता था एंड आई वाज टेलिंग इट टू द सी स्वीट सी के व्हाट वी शुड बी डूइंग एंड ऑफ कोर्स उनकी विजन को भी मैं पूरी कंपनी के लिए ट्रांसलेट कर रहा होता था तो मिशन मिशन विजन वो जो सारी चीज़ें होती हैं जो आप किताबों में पढ़ते हैं तो वो कंपनीज़ के लिए भी बनाई uh, बहुत दफ़ा बनाई एंडलफ़ एन एक्सपीरियंस इमेजिन करें कि एक समन हुज़ नॉट टू सीनियर Uh, एक असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर लेवल पे लड़का है जो काम कर रहा है और ही इज़ एक्सपोज टू ऑल दीज वेरी वेरी पॉलिश्ड मैन जो के या मैन और वेमेन सॉरी फॉर दैट लेकिन वर इन दी इंडस्ट्री उनकी एक अपना एक थॉट प्रोसेस है तो मैं बस बोर्ड रूम्स में बैठ के मैं सुन रहा होता था आई यूज़ टू एब्जॉर्ब ऑल ऑफ देट एंड ये भी मुझे लगता है कि अच्छी बात ही होती है किसी टाइम पे आपको चुप रह के बस सिर्फ एबजॉर्व करना चाहिए देखना चाहिए सीखना चाहिए इवेंशली लेटर ऑन इन लाइफ दैट हेल्प्स यू तो स्ट्रैटी uh, था एंड देन इजी पैसा से आई मूव टू चैज कैश विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ़ द बिगेस्ट नेम्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ यही सिमिलर स्पेस के अंदर वाई डिड यू लीव इजी पैसा कोई रीजन थी या वैसे ही एक्चुअली मैंने स्ट्रैटी में इजी uh, पैसा में टाइम गुजारा And, uh, मेरे, uh, उस वक्त देन बॉस हैड मूव टू जैज तो इट वॉज़ मोर ऑफ के दिस ऑपरचुनिटी व्यू लाइक टू आई एट स्पेंट लाइक थ्री थ्री एंड हाफ ईयर्स आई वॉज वेरी हैप्पी देयर अगेन ऐसी जगह से आपको बड़ा प्यार होता है जहाँ पे जिसमें आपको ऐसी चीज़ें दिखाई होती हैं आपका एक्सपीरियंस इस तरह बोर्ड लेवल पर होता है yeah. तो दैट वाज दै वाज मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था वहाँ से जाने का लेकिन ऑफ कोर्स आई कम फ्रॉम सच बैकग्राउंड ग्रोथ ज़िंदगी में चाहिए होती है जैज़ वाज आल्सो जैज़ कैश वाज आल्सो अ बिग नेम तो दैट वाज समथिंग कि मैंने आई रियली थॉट कि यार लेट्स 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 चेंज थिंग्स अप लेट्स सी कि जैज कैश वाज एट द सेम लेवल वेयर इजी पैसा वाज कि जैज़ कैश थोड़ा पीछे से स्टार्ट हुआ इजी ईज़ी पैसा के बाद सो थिंक बिटवीन ईजी पैसा इन जैज़ कैश ईजी पैसा इज़ विन और जैज़ कैश इज़ विध जैज़ एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूटर होता है आपकी एक्टिव वेज का या आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स का इज़ कि वो uh, कितने uh, जो टेल्को है उसका काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल आपकी ऐप आप की तरफ आता है या आपके मनी प्लेटफॉर्म की तरफ आता है जायज़ बिंग द बिगर प्लेयर वो बहुत ज़्यादा उनकी जो एक्विजिशन उस टाइम पे एक्विजिशन जो होती है कस्टमर्स को जो एक्वायर करते हैं एक चैनल होता है रिटेल का जो मैंने आपको पहले बताया वही लोग जो ओवर द काउंटर शनाख्ती कार्ड लेके करते होते थे मनी ट्रांसफर्स एंड बिल पेमेंट्स वो दोज पीपल हैड नाउ उन उन्हीं रिटेलर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या उनके जो इंसेंटिवाइजेशन है वो मोबाइल अकाउंट खोलने की तरफ राउट कर दी गई थी and uh, that's how these folks uh, at uh, at the other telco that I'm mentioning uh, they had a higher अ हायर फुट देर हैड अगर फुटप्रिंट उनका रिटेल एक्विजीशन भी बहुत स्ट्रांग थी एंड ऑफकोर्स उनका डिजिटल भी बहुत अच्छा था लेकिन इसी तरह से वो कन्वर्ट करते होते थे कस्टमर्स को या तो ओ पे लेके आके कन्वर्ट कर दिया मोबाइल ऐप पे या वो रिटेल के थ्रू अक्वायर करके उनको ऐप की एक्सपीरियंस देते होते थे एंड दैट्स हाउ दे वर बिगर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ यूजर्स वो एक बड़ा मेट्रिक होता है हमारी इंडस्ट्री में कि वो एक्टिव यूजर्स कितने होते हैं तो वो दै वज़ हायर फॉर जायज़ इट्स मैंने क्वेश्चन बीच में कर दिया ना यूर जायज़ कैश हिस्ट्री उसमें आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वेयर यू आर इन्वॉल्व इंड इन जायज़ कैश दैन जायज़ कैश में भी uh, मैं स्ट्रेटी के फंक्शन में ही गया था uh, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे uh, जहाँ पे मै दिस रोल वॉज क्रिएटेड टू लुक आफ्टर सर्टन प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे थे वी हैड अ फ्रेंच सी ई ओ एट वेरी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी एंड रियली रिस्पेक्टेड एम लॉट तो उन्होंने अब मैं थोड़ा सा इस पर बैकग्राउंड ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्ट्रेटजी में था इजी पैसा और टेलना में तो एक केस uh, स्टडीज आती होती थी ऑफ कोर्स बैंक को पता था कि यार हमने प्रॉफिटेबल होना है सोनर डाउन सोनर और लेटर पैसा बनाना हर बिजनेस की ऑब्जेक्टिव होता है इट्स नॉट लाइक यू कॉट ऑलवेज बी बर्निंग कैश आपने इन्वेस्टर्स से भी सेपरेट वादे किए होते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली uh, uh, इस बिज़नेस के अंदर थोड़े uh, जो मोनिटाइजेशन के एवेन्यूज़ हैं ना वो लिमिटेड हैं एंड वन थिंग दैट हैड ऑलवेज स्टूड आउट

तो लैंडिंग वॉज समथिंग जो आपके नेगेटिव बिजनेस केस को आपकी कंपनी के नेगेटिव बिज़नेस केस को पॉजिटिव uh, करती थी और मुझे समझ आती थी कि ये दिस इज़ ग बी द फ्यूचर बिकॉज और तो स्ट्रैटी में रह के आपको नज़र आ जाता है कि सी uh, ईज़ क्या सोच रहे हैं बोर्ड मेम्बर्स क्या सोच रहे हैं उनका अपना एक एक्सपोजर है एंड दे सी दिस एज़ द फ्यूचर तो वो मैंने भी बहुत इंटरेस्ट लेना फिर उसके अंदर शुरू किया स्ट्रैटी uh, के दौरान भी वैसे भी uh, मैं आई ट्राई टू बी ए पार्ट ऑफ बिजनेस यूज टू बी इन मीटिंग्स यूज़ टू टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट रिसर्च अ लॉट ऑफ अबाउट इट कि कैसे लैंडिंग कैन चेंज द लैंडस्केप फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई दर बी इट प्रोडक्टिव या कंजम्पन बेस्ड पी तो जब मैं जाज़ में आया आई हैड ऑल दैट लर्निंग फ्रॉम ईजी पैसा क्योंकि ईजी पैसा भी बहुत अरसे से uh, उस लैंडिंग की डोमेन में था दैट नैनो लैंडिंग यू इफ यू मे कॉल इट तो एंड इट वाज आई वाज प्रटी मच पार्ट ऑफ द इनिशियल टीम्स लुकिंग आफ्टर दैट पोर्टफोलियो वहाँ पे तो अब जाज में आया जाज में दे हैड सिमिलर चैलेंजेस बिकॉज अगेन अ फिनटेक व्हिच हैड ऑफ़ मनी टू गेट अ ऑफ़ कस्टमर्स ऑन बोर्डेड और फिर उनको वहाँ पे रिटेन रखना क्योंकि अभी तो वो हैबिट बिल्डिंग फेज़ में थे ना लोगों के अभी भी उन्हें समझ आ रही थी कस्टमर्स को कि यार अच्छा ये ऐप है इससे पैसे भेज सकते हैं इससे आगे नहीं पता था उन्हें वो पर्सनल फाइनेंस वाली तो अभी जर्नी uh, शुरू नहीं हुई थी अभी सिर्फ मनी ट्रांसफ़र्स और इस तरह की बातें ही चल रही थी उन कस्टमर्स के जहन में hmm. तो uh, मैंने uh, उनकी कुछ चैलेंजेस थे प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ कोर्स आप uh, आप कॉपरेट में हो आप इफ़ यूर ऑन द बिजनेस साइड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट यू डू एज पार्ट ऑफ योर जॉब तो द सी ई सम हाउ सॉ दैट नैक इन मी और उन्होंने मुझे सी ई ओ ने दैन सी पी ओ देर एज़ वेल चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर तो दे आस्ट मी टू मूव एंड अब इमेजन अ गाय हु इज़ कमिंग फ्राम फाइनेंस इन अकाउंटिंग थोड़ा सा होता था आपका ख्वाब होता है कि यार आप थोड़ा बिजनेस साइड पर आओ आप रिमेंबर आई वॉज दैट गाए कि मैं आई कैन नॉट फॉलो लाइक वन स्पेसिफिक सेट क्राइटीरिया ऑफ बुक्स कि इन्हीं स्टैंडर्ड्स में रह कर मैंने अपनी जिंदगी गुजारनी है तो आई काइंड जम्पड टू दैट अपॉरचुनिटी और यूजिंग ऑल ऑफ माई स्ट्रीटिजिक लर्निंग uh, using because lending is also uh, very number heavy. Uh, there's a lot of financial modeling involved because um, it's also being done through big data and machine learning. So, आपका एक मेरा numbers की तरफ वैसे भी थोड़ा रोजान था and then strategy भी मैंने की भी थी and um, accounting finance वाले side पे भी एक interest था. तो वो बस सब चीज़ें मिल मिला के I आई आई बिकेम द स्ट्रीम हेड लैंडिंग फॉर जाज कैश एंड जाज़ कैश में दैट पोर्टफोलियो बहुत बहुत अच्छे से अग्रेसिवली पेक किया उसने मतलब विद इन अ यर आई आई टेल यू कोई दो बिलियन की मंथली डिसबर्समेंट्स हम इंक्रीज ले आया था मैं uh, मैं और मेरी टीम जो मेरे साथ इन्वॉल्व थी एंड यू नो कपल ऑफ गुड फोक्स वी वर डूइंग अ ऑफ गुड थिंग्स और नंबर ऑफ यूजर्स भी इसी तरह से मिलियन तक पहुंच गए थे जो कि बाय द टाइम आई अपट अप वो हंड्रेड थाउजेंड पे थे एंड बाय द टाइम आई लेफ्ट तो वो वन पॉइंट मिलियन थे ऑन अ मंथली बेसिस के लोग लोन लेते थे रीपे करते थे छोटी अमाउंट के लोन होते थे ये जो लोन्स होते थे सो प्राइमरीली जैज़ कैश या इजी पैसा uh, लोग जो uh, एक ख़ास तबका जो बैंक में नहीं खोल सकता दे जस्ट ओपन एन अकाउंट एंड एक आपका अकाउंट खोल जाता है एंड देन दे यूज़ दैट पर्टिकुलर अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शनल पर्पज़ एज़ वेल मैंने आपको देने हैं तो मैं जैज़ कैश के थ्रू दे दूँगा और दे कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर एज एज ए वॉलेट एज वेल कि मेरे अपने बैंक के या मेरे ईजी पैसा में पड़े हुए हैं इफ़ आई नीड टू पे यूटिलिटी बिल आई विल पे इफ़ आई नीड टू पे समन आई विल पे इवन इफ आई नीड एज ए बी टू बी ट्रांजेक्शन अगर मैं रिटेल करूँ तो मैं उसके थ्रू ही करता था सो प्राइमरी जो जो लैंडिंग आप कर रहे होते थे सो मैं वैसे जाना चाह रहा था कि दिस इज़ द सेम अमाउंट विच द पीपल यू यूज़ टू कीप इन देयर अकाउंट एज ए कैश और दिस वॉज समथिंग विच यू यूज़ टू पुट एज एन इन्वेस्टमेंट के हम लैंड करके इसके ऊपर भी हम वो कर सकते हैं me, आप ये कह रहे हैं कि क्या वो लोन की अमाउंट से हम वो किसी प्रोडक्टिव साइड पे उसे इन्वेस्ट कर रहे थे या इन टर्म्स ऑफ के जो पैसा हम लैंड कर रहे हैं दैट इज दनी विच इज बी इन दैज कैश अकाउंट और दिस इज समय तो आप उसी पैसे को री करके एक किस्म का प्रोडक्टिव भी हो सकता है कंजश बेस भी हो सकता है अब यूज़र को लैंड करते थे एंड दे टू मेक मनी हाँ बहुत it. बहुत आ, मतलब यूज़ टू तो मेक मनी भी, भी क्या आ, मतलब वी स्टार्ट ऑफ और ये जेनैरिक मॉडल है मार्केट में ये वाले प्रोडक्ट्स इसी तरह से होते हैं क्योंकि हमें, हमें कस्टमर को स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे ए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है और जहाँ पे आपको शायद इस चीज़ की बहुत अच्छे से, से, से सेंस बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की सेंस नहीं है कि इस लोन के साथ क्या करना है ये लोन का मतलब क्या है मैं इसे ले रहा हूँ तो मुझे क्या वापस भी करना है या ये एक बस मुफ्त में पैसा मिल रहा है मुझे और मैं लेके भाग जाऊँ तो वो आपको बड़े तरीके से उसे स्ट्रक्चर करना पड़ता है कि आपकी कस्टमर की एजुकेशन भी हो रही हो हम उसकी एबिलिटी और विलिंगनेस टू तो पे को भी गेज करके हम उसे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुएट करें रादर देन गिविंग दैम लाइक बीस हज़ार तीस हज़ार रुपया स्ट्रेट ऑफ द बैट Uh, हम उसे बहुत छोटी अमाउंट से स्टार्ट कराते हैं और हंड्रेड ख्याल हंड्रेड हाँ मेरे ख्याल में, हा, में ये भी यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि एक बंदे के लिए क्रेडिट हिस्ट्री होना भी कितना इंपॉर्टेंट है सो so, अगर एक बिल्कुल ले है जिसका कभी किसी बैंक में भी अकाउंट नहीं था ना इजी पैसा जैस कैश नहीं था सो इन ऑर्डर टू क्रिएट योर हिस्ट्री और समथिंग सो वट थिंग्स ए पर्सन नीड टू हैव ताकि उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री बनना स्टार्ट हो जाए सो so, uh, अगर मैं थोड़ा सा जेनेरिक लेवल पे से थोड़ा हाई लेवल पे अगर बताऊँ तो क्रेडिट हिस्ट्री इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में इट्स लुक्ड एट डिफरेंटली लेकिन क्रेडिट हिस्ट्री हम जब एज अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हम क्रेडिट हिस्ट्री देख रहे होते हैं आपकी तो इसमें मेजॉरिटी जो चीज़ें देखी जाती हैं वो ये होती हैं कि किसी और बैंक साइड पे आपने किसी लोन पे डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया हुआ आपने अपनी जो ड्यू पेमेंट्स हैं उसके ऊपर आप डिले में तो नहीं चल रहे और ये मेजॉरिटी ऑफ द पैरामीटर्स रिवॉल्व अराउंड दीज थिंग्स जब आप एक बैंकिंग रिलेशनशिप में होते हैं किसी एक सर्टन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर के साथ तो आ, वो चीज़ इवेंचुअली वो अपने ही डेटा को देखते हुए आपको हायर लिमिट्स ऑफर करना शुरू कर देते हैं लेकिन आ, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली होता ऐसे है कि आ, पीपल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन फॉर्मल सेक्टर से लेंडिंग करते थे अपने जान पहचान वाले लोगों से आ, पैसे मांग लिए हमारे अपने नाना दादा इस तरह से करते होते थे Uh, I've सीन my ग्रैंड मदर डू इट एंड बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए uh, ये ऐसा नहीं कि बड़े बड़े अमाउंट के लोगों से छोटे छोटे उधार कर लिए तो वो uh, ए क्रेडिट uh, हिस्ट्री की तरफ वो चीज़ बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती यहाँ पे एटलीस्ट ये होता है व्हेन यू गो टू अ बैंक व्हेन यू गो टू अ फिन टैग वन यू गो टू एनी रेग्यूलेटेड एंटिटी तो वो आपका डेटा जो है वो बैक एंड पे फीड हो रहा होता है uh, वो चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता एक क्रेडिबल बॉर के तौर पे आपको वो रियलाइज़ करवा रही होती है तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है पाकिस्तान में अभी पिछले अभी शायद हफ्ते पहले की बात है मैं किसी करीम मैंने करीम राइट पकड़ी और मैंने यानी कहा यार मैं आई ट्रांसफ़र यू ऑन योर वॉलेट तो वो कहते सर जी इन दो वॉलेट में तो ना भेजिएगा मैंने पैसे लिए हुए <laughs> उधर से काट लेंगे हाँ उधर से कट जाएंगे उन्होंने आई एम sure, श्योर वो ऑटो डेबिट लगाया होगा कि वो पैसे जैसे ही आएंगे उसके अंदर से वो निकल जाएंगे अच्छा अच्छा तो ये बता रहा हूँ कि ये <laughs> इतनी एज अ बिजनेस ओनर ये चीज़ें इतनी आपको क्रिटिकली देखनी पड़ती हैं कि आप ऐसे नहीं किसी को ऐसे पैसे नहीं दे सकते एक वो आपका अपना बिजनेस भी खराब कर देगा के और वो अपना आपका भी क्रेडिट हिस्ट्री खराब कर देगा आगे जब भी जाएगा किसी बैंक में किसी खुदाना खास्ता उसे कहीं ज़रूरत पड़ी एंड आई एम सेइंग एनीथिंग थिंग आप कन्वेंशनल uh, लें आप इस्लामिक लें आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बोरोइंग एज अ एज अ टूल कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में uh, कभी भी जरूरत पड़ जाती है हम मिडिल क्लास लोगों के अंदर ये चीज़ uh, कभी भी कोई पता नहीं होता कोई हेल्थ uh, का इशू हो जाए एनी कोई प्रॉब्लम कोई लीगल इशू स्टार्ट हो जाए तो वो आप अगर आपने ये छोटी सी अमाउंट के ऊपर भी अगर डिफॉल्ट किया हुआ है और आप पैसे नहीं वापस कर रहे तो

अगेन मैं एक लेम के परस्पेक्टिव से कह रहा हूँ जिसने आज तक अपनी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन या के बारे में सोचा भी नहीं एक तो चले वो हमें समझ आगी कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज खुदाना खासा कभी जरूरत पड़े हो जाए लेकिन वन नीड टू प्लान इट तो कोई प्लानिंग भी हो सकती है या जस्ट नीड टू बी फाइनेंशली इंक्लूसिव आप कोई सिम यूज़ कर रहे हो अपने नाम की आप उसके ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहे हो या इवन यूजेज भी होगी आपकी टाइमली आप बिल पे भी कर रहे हो तो ऑल दिस थिंग काउंट एज़ वेल बिल्कुल बिल्कुल मैं बड़ा आई एम अ वेरी स्ट्रॉग बिलीवर ऑफ दैट कि जो ये तो एक तो हमने बात कर ली उस तबके की जिससे शायद पता ही नहीं था कि ये बैंकिंग ये लोन्स क्या होते हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं अब इवन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आप बैंक्स में जाओ आपने लोन अगर रिक्वेस्ट करना है तो यू विल गेट लाइक फिफ्टी पेजर डॉकेट जहाँ भी आपको वो कहेंगे कि यार अपनी तमाम वो इन्फॉर्मेशन दो जो मेरे पास पहले से पड़ी हुई जो बैंक के पास पहले से पड़ी हुई है जब हम डिजिटल जर्नीज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार क्यों किसी कस्टमर को आपने यू नो बॉदर करवाना है अनॉय करना है या उसका वक, वक्त वक्त आई थिंक इज़ लाइक सो इम्पॉर्टेंट हेयर कि मैं Uh, हम इस दुनिया में बहुत एक महदूद वक्त के लिए होते हैं और आपका वक्त इज़ सो प्रेसर्स मेरे ख्याल से पैसे से बड़ी दौलत नहीं हो सकती कोई और वो वक्त मैं अपना लगाता हूँ जाके बैंक में uh, बड़े बड़े फॉर्म्स फिल करके जो सारी इंफॉर्मेशन अगेन रेडिली अवेलेबल है मोस्ट ऑफ इट और uh, फिर मुझे महीना इंतज़ार भी करना पड़ता है लोन लेने के लिए कि वो बैंक प्रोसेस कर रहा है एक जगह साइन होने की फिर दूसरी जगह साइन होने की फिर तो ये ये सब चीज़ें आ, हम वी वर एबल टू मिनिमाइज क्योंकि डिजिटल जर्नी में यही है आप ज़िंदगी आसान कर रहे हैं लोगों की आप लोगों का वक्त बचा रहे हैं आप एंड आई फील वेरी पैशनेटली अबाउट इट एज़ वेल कि ये ये बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी के लिए कर सकते हो तो व्हाई नॉट ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आई थिंक आपको जो mm -hmm. इस तरह के रोल्स में इस तरह की जॉब में मोटिवेटेड रखती हैं mm -hmm. तो uh, अब हम वट हाउ वी डू इट मैं अब अगर मैं इफ़ यू अलाउ मी मैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर देता हूँ वी वी टेक ऑल ऑफ़ योर फाइनेंशियल सर्विसेज पे जो आपकी हमारी फॉर एग्जांपल ऐप है उसके ऊपर आप क्या ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं छोटी uh, से छोटी ट्रांजैक्शंस लाइक मनी ट्रांसफ़र सौ रुपये का टॉपअप भी किया है आपने अगर पाँच सौ रुपया रखा हुआ है अपने अकाउंट में या आपने दो हज़ार रुपया रखा हुआ है ये सब चीज़ें एक अलग के अंदर जाती हैं एलग्रिदम पता नहीं अब लोग एम श्योर पीपल अंडरस्टैंड दिस क्रेडिट स्कोरिंग एल्गोरिथम होता है उसके अंदर ये तमाम लर्निंग्स ये तमाम चीज़ें इनपुट की जाती हैं और फिर एक लिमिट असाइन की जाती है कस्टमर uh, uh, की, की कि ये गिवन द डेटा वी हैव ऑन हिम एंड ऑफ कोर्स कुछ प्री रेकट्स भी होते हैं कि इतने सर्टन अरसे के लिए आपने हमारी ऐप आप को यूज़ किया हो तो तभी क्योंकि इट्स अगर मैं कोई और चीज़ नहीं ले रहा ना मैं आपसे लंबे लंबे फॉर्म साइन करवा रहा हूँ मेरे पास ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आप भगोड़े नहीं हैं आप भागेंगे नहीं आपको योर योर है ऑफ यूजिंग दिस फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म फ़ॉर योर पर्सनल यूज़ और फॉर योर बिजनेस यूज़ एंड दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी तो उसके बाद में फिर आपके तमाम पैरामीटर्स छोटी छोटी ट्रांजेक्शन आपका मुद्दत कितने से आप मेरे साथ हैं ये सब देखते हुए बी गिव यू लिमिट और uh, वो लिमिट शुरू में छोटी होती है क्योंकि अगेन आई नीड मोर डेटा ऑन यू कि इफ़ यू रिक्वेड अगर एक हेल्दी रीपेमेंट बिहेवियर आप एग्जिबिट करते हैं तो फिर मैं आपको आहिस्ता आिस्ता बड़ी अमाउंट्स पर लेके जाता जाता हूँ और वो आ, अब इसमें तो अब ये भी है कि हम फाइनेंशियल सर्विसेज के डेटा के अलावा हम जी का डेटा भी यूज़ करते हैं कि जो टेलकोज़ हमारे साथ पार्टनर करना चाहती हैं जो ओपन इनफ हैं बड़ी फ़ॉरवर्ड लुकिंग टेलकोज़ भी इस वक्त बैठी हुई है मार्केट में तो वो अपना डेटा शेयर करती हैं वो जो कस्टमर्स आपकी ऐप आप के ऊपर हैं और जो उनके टेलीकॉम नेटवर्क के ऊपर हैं उनका डेटा जब एक साथ आता है तो वो हमें और विजिबिलिटी देता है इस कस्टमर के ऊपर कि इसकी और हमारे पास कुछ सर्टन मॉडल्स हैं जिसके अंडर हम रख के वैलुएट करते हैं कि यार ठीक है ये आ, इतना अप कराता है आ, इतना एडवांस लोड लेता है फॉर एग्जांपल वो जो अप पे भी होता है ना कि जब बैलेंस ख़त्म होने लगता है तो आप लोड लेते हैं तो वो भी एक इन अ फॉर्म ऑफ एक फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग है अगर आप वो भी वापस कर रहे हैं तो हमें लगेगा कि ठीक है यार तो इस तरह से करते करते हम तमाम डेटा को यूज़ करते हैं एंड क्रेडिट ब्यूरो भी होता है वो तो एक रेगुलेटरी चीज़ है ये जो सारे चेक्स एंड बैलेंस है ये बैंक्स भी यही फॉलो कर रहा होता है जो इजी पैसा जायज़ कैश या आपकी जो एल्गोरिथम्स वगैरह होती हैं इन इन टर्म्स ऑफ लैंडिंग टू द पीपल एज वेल या बैंक थोड़ा डिफरेंट वे डिफरेंटली उसे लेता है हाँ दिफ, क्या डिफरेंस होगा अगर इन दोनों चीज़ों को हम देखें बैंक्स और उसमें तो बैंक बैंक चूँकि आई थिंक द डिफरेंस हेयर इज के uh, यहाँ पे हम इस तरह के लोगों से डील कर रहे हैं लॉट ऑफ दैम लॉट ऑफ देम आर द वंस जिनका पहला पहला क्रेडिट uh, ट्रांजैक्शन है कोई फाइनेंसिंग uh, की पहली ट्रांजैक्शन है जो बैंक्स हमेशा से जिनको बैंकारी की सर्विसेज देते आ रहे हैं दीज आर बैंक कस्टमर्स दिस इज़ द बिग गाय वे आर टॉकिंग अबाउट दिस इज नॉट द लिटिल गाय बैंक दर इज़ अ रीज़न बैंक ने साठ सत्तर सालों में बैंक्स ने आ, बड़े बड़े बैंक्स ने एक सर्टन लेवल पे ही रह के फाइनेंशियल इंक्लूजन पाकिस्तान में ला सका है, उससे आगे नहीं लेके जा पाया वो उनके पास यू हैव क्रेडिट कार्ड्स यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ कोर्स और वो उसके ऊपर ढेर सारे कलेट्रल्स लेता है hmm. यहाँ पे तो हम एक अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहे हैं ना जिसमें किसी किस्म की गारंटी नहीं देनी पड़ी किसी को जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के पास चले जाएँ वो कहते हैं भाई ठीक है हम आपको किस्तों में दे, दे देंगे चीज़ें लेकिन हमारा बंदा आएगा आपके दो गारंटीज़ होंगी उसको विजिट करेगा उससे पूछेगा उससे साइन करा के लेके जाएगा वो पता नहीं स्टैम्प पेपर पे भी होता है पता नहीं उनके अपने एक होते हैं तो उसी को बिल्डिंग अप ऑन डैट बैंक्स डू इट एट अ मच हायर लेवल वो आपकी हाइपॉथिकेट करते हैं आपके स्टॉक्स को आपकी प्रॉपर्टी को गाड़ी भी अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर एच पी ए मार्क हुआ होता है हायर uh, परचेज वाला जो होता है एंड यू के नॉट सेल इट विदाउट दिन सी फ्राम द बैंक सो देर इज़ अ लॉट ऑफ देर इज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी अराउंड दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वो इतना इतना ईजी नहीं होता वहाँ पर आप कहीं निकल जाएँ यूज अक्सर एम्प्लॉय बैंकिंग में आपके इम्प्लॉयर्स के साथ टैक्ट होती है वो चीज़ के ये इस कंपनी से है इसकी सैलरी हमारे बैंक के अकाउंट में ही आती है तो वो भी एक श्योरिटी तो मतलब देर आर सो मैनी वेज बैंक्स प्रोटेक्ट दैम सेल्वस फ्राम एनी सोट ऑफ क्रेडिट लॉसेस लेकिन वो एक बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच है वो एक थोड़ी इनफेक्टिव अप्रोच है इस तरह से कि वो उसमें वक्त भी बहुत लगता है एंड शायद डॉक्यूमेंटेशन में रह जाता है बंदा एंड लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक्स बिल्कुल कुछ नहीं कर बैंक्स में भी डिजिटल फर्स्ट की एक एक इंक्लिनेशन है एक इंकलिंग है नज़र आती है कुछ बैंक्स डिजिटल में बहुत काम कर रहे हैं बट दे डेफिनेटली वर्ट द फर्स्ट ये इंस्पिरेशन ये चीज़ें uh, या तो ये अफ्रीकन कंट्रीज से आ रही हैं या ये uh, लेकिन ये कि अब तो वेस्ट भी काफ़ी इस चीज़ में आगे चला गया है देर मेड इट वेरी डिजिटल मैंने ना एज ए कंपनी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था बैंक दो तीन साल पहले और ये है? सेम कंपनी के लिए किया था सरमाया के लिए किया था सो व्हेन आई अप्लाइड इवन एज ए कंपनी आई अप्लाइड फॉर कामयाब जवान प्रोग्राम जो पी टी आई का बड़ा मशहूर था भिल्कुल, कि, भिल्कुल, कि भिल्कुल, आप स्टार्टअप हैं और आप बहुत अच्छा काम करें तो आप अप अप्लाई करें एंड आई वॉज वेरी यानी कि मैंने कहा यार ये अब थोड़ी रेवोल्यूशन आ रहा है कि हम एज ए स्टार्टअप के लिए भी कुछ <laughs> आ रहा है सो आई सबमिटेड द एप्लीकेशन के यार के हम एक अप्लीकेशन आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो हम करना चाह रहे हैं और इसमें हम ये यही करना चाह रहे हैं एंड वेन आई अप्लाइड फॉर दैट पर्टिकुलर लोन इन कामयाब जवान so uh, पहले तो बड़ा अच्छा जो मीटिंग्स हुई मेरी एक स्पेसिफिक बैंक के साथ डेट उफ एप्लीकेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप बड़ा ज़बरदस्त एंड आई वॉज इन के यार ये शायद दे देंगे ना ये इतना कोई इशू होना नहीं चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हम नस्ट में ही बैठे हुए हैं एक रेपटेशन है इधर बैठने की और ऑबियसली उसका भी फ़ायदा होना चाहिए खैर एक महीना गुजरा सर वो रिस्क ऑफिसर को दिया वो देख रहे हैं तीन महीने गुजरे सर वो रिस्क ऑफिसर अभी तक देख रहे हैं छः महीने गुजरे तो उन्होंने ना स्टेट अवे कह दिया यार उनके कुछ क्वेश्चन से हमने उसको रिस्पॉन्ड किया अब आप दो तीन चीज़ें और हमें ये बता दें ये कैसे है सो बाय द टाइम जब नो साल हो गया ना तो आई एस्केलेटेड दिस टू स्टेट बैंक एंड स्टेट बैंक ने फिर कहा जी कि क्यों नहीं आप करें ना आप इसको थोड़ा करें दैन द मैनेजर केम एंड आई टोल्ड हिम कि यार साल हो गया आपकी अप्प्लीकेशन ही नहीं प्रोसेस हो रही ना क्या तरीका है हम एक्सपर्टाइड करके इसको जल्दी करते हैं फिर तीन चार महीने डिले हुआ तिल डा टाइम आई रियलाइज के बैंक डोंट वॉन्टेड टू तो गिव एनी सॉर्ट ऑफ लोन मैं फिर जो मैनेजर साहब आए थे उनके साथ मेरी ना एक गपशप हुई साइड पर मैंने कहा यार देखो मैं साल से सा वेट कर रहा हूँ मैंने ये दो चीज़ें नहीं बनानी थी और मुझे इसके लिए चाहिए थी तो नहीं कर तो उन्हें स्टेट वे में बता दिया भाई ये जो इस तरह की चीज़ें ना दे आर नॉट फॉर स्टार्टअप्स लाइक यू यानी कि आप माशाला अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आपके लिए नहीं है बैंक का सर्टन रिस्क है इसके अंदर ना सो बैंक थैंक के शायद आप ना दे पाओ इसको सो so मैंने कहा फिर ये जो मीडिया पे आके पॉलिटिशियंस सारे आके कह रहे हैं कि हमने इतने लोन डिस्पर्स कर दिए किसको जा रहे हैं ना ये अगर वो नहीं रहे एंड ही टोल्ड मी के एटी टू 90 परसेंट ऑफ दिस सेम लोन्स आर गोइंग टू रियल स्टेट पीपल वो आके अपना कोलेट्रल में एक प्लाजा रख देते हैं दो बनाने के लिए पैसे ले जाते हैं एंड दिस पर्टिकुलर सर्कल इज गोइंग ऑन प्रोडक्टिव एसेट किसी बिल्डिंग यानी कोई स्टार्टअप कर रहा है कोई उस कर रहा है नो बडी वॉन्टेड टू टेक दैट पर्टिकुलर रेस्क और अभी ये मैं बात करूँ कि दिस इनिशिएटिव वॉज कमिंग विद समथिंग के जो बंदा बहुत ही अच्छा कोई काम करना चाह रहे है एंड आई वाज सीइंग फ चौधरी गेटिंग इनटू ऑल दीज फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर्स के पास जा रहा था mm. ये डैशबोर्ड देखें जी इसके अंदर हमने इतने लोन्स दे दिए हैं ये लोन्स इतने हो गए और ये मुल्क की तकदीर बदलेंगे पता नहीं क्या देन आई रियलाइज़ के देन समन टोल्ड मी के यार अगर आपने बैंकिंग में इतना ख्वारी किया और ये एक इंसिडेंट नहीं है मेरी उसके अंदर इफ़ यू रिमेंबर ड्यूरिंग कोविड स्टेट बैंक अगेन अनाउंसड कि जो भी कॉर्पोरेट uh, वाले हैं जिन जिन के हैं तो वो दे कैन अवेल द री फाइनेंस दे कैन पे द सैलरी और ये वो तो मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया वो मैं आईटी कंपनी के लिए किया मैंने अप्लाइड तो माशाल्लाह हमारा प्री कोविड का अच्छा गया था तो वी हैड मोर पीपल एंड देन आई थॉट गया यार ये तो इतनी अच्छी स्कीम है इसमें तो बेनिफिट ही है इन टर्म्स ऑफ तो आई अप्लाइड इट सो वो भी एक और बैंक के पास गया तो उस बैंक के पास गया तो वो बैंक तो बड़े ही स्टूपेट से क्वेश्चन मेरे पास आया कि लास्ट क्वार्टर इन 2019 थाउजेंड नाइनटीन फर्स्ट क्वार्टर यू आर ओनली ट्वेल्व एम्प्लॉज़ दिस क्वार्टर यू आर लाइक थर्टी और समथिंग एम्प्लॉयज़ को ये इतना बड़ा जंप क्यों आया लास्ट लास्ट ईयर दिस क्वार्टर आपकी अर्निंग इतनी कम थी आपका रेवेन्यू इतना कम था दिस क्वार्टर अलग हालाँकि दिस शुड बी ए पॉजिटिव साइन के यू अर्न सो मच तो वाई ए सर्टन स्पाइक इन योर रेवेन्यू ऑन टॉप ऑफ बिजनेस आई डोंट अंडरस्टैंड के आप इस पर भी रिस्पॉ तो मैंने सारी क्लैरिफिकेशन दी है इस वजह से खैर करते करते उन्होंने इतना डिले किया वो तीन महीने का पीरियड भी निकल गया सो आई वॉज वेरी एंग्री के यार आपने इतना एक उसके लिए किया है तो आप एंड दे गिवन लोन टू एव एनी वन जो भी बड़ी बड़ी कॉपी थी, थी उनको we दी man. थी एंड वी एज अ स्टार्टअप वी वर नॉट एबल तो मैं अगेन मैं उनके मैनेजर <laughs> के पास गया कि यार इतना मुश्किल हुआ है मेरे साथ मैंने स्टेट बैंक को फिर अगेन का एक ई मेल निकाली कि यार आपके इस पर मुझे नहीं मिला तो एंड देन द मैनेजर कॉल मी के यार सॉरी हमें तो पता ही नहीं था आपका ये इस तरह बिजनेस नाउ आई अंडरस्टैंड के वट यू आर डूइंग लेकिन आई वुड रिकमेंड कि यार आप काम करें आपने इतनी खौरी गारी ली है सो so, uh, uh, मुझे फिर समझ आई कोलेटरल का फ़ायदा कोलेटरल इज़ के कोई आपका फिजिकल एसेट ऐसा जो कि बैंक एज ए गारंटी रखे और फिर बैंक को थोड़ा शय मिलती है कि समथिंग टू यू तो ही टोल्ड मी कि यार देखो तो या बैंकिंग के इसके सर्कल के अंदर आना है तो यू नीड टू तो अंडरस्टैंड के जब तक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री हमारे साथ बिल्ड नहीं होगी वी विल नॉट बी एबल टू गिव यू लोन ठीक है तो वट ही सेट टू मी के यार वट यू कैन डू कि यही एप्लीकेशन हम प्रोसीड करते हैं हम आपको एक रनिंग फाइनेंस का लोन देते हैं विच इज़ नॉट लोन वो एक अकाउंट में पड़े हुए हैं इफ़ यू नीड इट यू टेक इट इफ यू डोंट नीड इट डोंट टेक इट ठीक है अवेल कर लें कर लें नहीं कर लें तो हम नहीं करेंगे बट ट्राई टू बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम ना ये सिस्टम में बनने के लिए आपको करना पड़ेगा सो आई आई एक लैंड हमने ली हुई थी ऑन द कंपनी अकाउंट जस्ट बिकॉज टू मेक श्योर कि हम फाइनेंशियल सेक्टर में कभी होता है कि एक प्रोजेक्ट आता है यू नीड रिसोर्सेज यू डोंट हैव मनी सो यू कैन सो वो रनिंग फाइनेंस हमने लिया आ, लेकिन हमने कभी उसको उस तरह अवेल नहीं किया सो देर वॉज ए टाइम बैन दैट पर्टिकुलर मनी वॉज देयर माई हैक मेरा जो लैंड था प्रॉपर्टी थी दैट वॉज विद कपल ऑफ ईयर्स विद अ बैंक तो मैंने एक टाइम पर आके कहा यार थैंक यू वेरी मच मुझे नहीं चाहिए वो आपके पैसे उधर ही पड़े हुए वो आप ले लें yeah. तो आप ना ये प्रॉपर्टी मुझे yeah. दे दें really, एंड आई वॉज सरप्राइज कि वो जो मैनेजर था ही गेव मी अन अदर ऑप्शन ठीक है कि सर अभी ये वो टाइम था जब अगेन मैं किसी पोलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा uh, ये जो पी डी एम की गवर्नमेंट आई हुई थी शहबाज शरीफ अनाउंस देर इज़ ए स्पेशल स्कीम फॉर द स्टार्टअप्स दे केन अवेल दिस अमाउंट ऑफ मनी एट एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न Uh, तो वो इस्लामिक लोन था तो मुझे ना उसी बैंक ने दोबारा ऑफ़र किया यार वो वाला है और आपका स्टार्टअप उसमें सही आ रहा है तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड रनिंग फाइनेंस वाला हम ख़त्म करते हैं आई कैन अप्लाई एंड गेट यू दैट पर्टिकुलर थिंग क्योंकि आपकी और वही वहाँ पर मुझे समझ आई कि वो जो मेरी हिस्ट्री थी कि मैंने नहीं भी लिया या लिया तो वो मेरा सेटल हुआ दैट प्लेड द रोल इन गेटिंग दैट पर्टिकुलर फाइनेंस फॉर माई स्टार्टअप सो अब क्या है कि वो अगेन लैंड उन्हीं के पास है लेकिन आई एम गेटिंग दैट पर्टिकुलर लोन जिससे मैं कुछ चीज़ें और करना चाह रहा हूँ और बेनिफिट मैं वैसे बता दूँ नॉर्मली आजकल टाइम पर काइबर प्लस फोर थ्री फोर का रेट होगा अगर लोन दे रही होगी थोड़ा सा इससे भी ऊपर चला जाता है पच्चीस छब्बीस बैंक दे रही होगी ना तो मुझे वो प्राइम मिनिस्टर लोन पे सेवन परसेंट पे मिला हुआ है ठीक है सो दिस इज़ ए मैसिव सॉर्ट ऑफ और वो अगेन क्योंकि मैं समझता हूँ कि वट इज़ द वैल्यू ऑफ कीपिंग द कैश इन कैश राधर देन कि उसको लोन पे ले सो आई टुक द मनी नॉट बिकॉज आई नीडेड इट आई टुक द मनी बिकॉज इट वॉज बेनिफिशियल फॉर मी एज अ कंपनी सो आई नो हाउ टू मेक मनी फॉर मनी सो आई नो कि कौन से प्रोडक्ट पर मैं इन्वेस्ट करके या खुद बना कर मैं ज़्यादा पैसे कर सकता हूँ बट द मेन आइडिया इज़ के ये जो पूरा मेरे दो तीन एक्सपीरियंस है आई रियलाइज़ के पाकिस्तान में द रीज़न वाई वी आर नॉट एबल टू एक्सेल या हम एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट नहीं बना सके बैंक सारा का सारा पैसा तो गवर्नमेंट को दे रहा है दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क एंड इफ दे आर गेविंग ऑल द मनी टू द टू द गोर्मेंट और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसिज मीट नहीं कर पा रही है सीधी सी बात है अब तो ये हालत होगी है कि गवर्नमेंट ने बैंक के जितने पैसे देने हैं वो लोन लेती ही लोन पे ऑफ करने के लिए पुराने वाला ठीक है तो हम एक बड़े ही अजीब सी उसमें हैं हाँ कि जहाँ पर गवरमेंट अपने एक्सपेंसिज मीट नहीं कर पा रही जहाँ पर बैंकस का जितना पैसा पड़ा हुआ है वो सारा गवर्नमेंट को ही जा रहा है जहाँ पे बैंक्स वो रिस्क नहीं लेना चाहते मे बी सम स्टार्टअप लाइक सरमाया और सम अदर स्टार्टअप मे बी देर डेट माइट बी अ गुड स्टार्टअप ठीक है दे आर जेनविन पीपल दे वॉन्टिड टू बिल्ड सम थिंग दे वॉन्टेड टू बिल्ड समथिंग जहाँ पे वो सौ लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे सके बट दे वॉन्टिड दैट पर्टिकुलर कैपिटल इंटर इनिशियली सो डैट दे कैन ट्राई एंड बिल्ड सम थिंग वो के कहीं से स्टार्टअप को नहीं मिल रही है लोग यहाँ पर फेल इसीलिए भी नहीं होते कि उनका आइडिया छा नहीं है लोग फेल यहाँ इसलिए भी होती है उनके पास इनफ कैपिटल भी नहीं होता सो so ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस था ना एज़ ए कंपनी और ये एक्सपीरियंस सिर्फ कंपनी से रिलेटेड नहीं है मुझे अभी भी याद है मेरी पहली कल्टस जो थी ना वो आ, आ, एक बैंक से ही मैंने लीज भी ली थी मॉर्गेज की थी एंड सम हाओ आई मिस्ड वन इंस्टॉलमेंट और मिस्ड भी ऐसा कि ऑटो डिडक्ट पे किया था सम हाउ मैंने कहीं और पैसे लगा लिए मुझे याद नहीं रहा तो वो हफ्ता एक ऊपर चला गया तो हफ़्ते बाद ना मैं अब ऑफ़िस के अंदर बैठा हूँ और मुझे कॉल आई है बैंक की तरफ से और ये कॉल कोई डिसेंट कॉल नहीं थी वो कॉल आई है भाई तुम्हारा पैसे नहीं आए कब दोगे पैसे मैंने कहा वो आ, मैंने कहा सॉरी यार मैं अभी इधर ऑफिस में हूँ तो वो कर दो भाई ऑफिस ऑफिस कुछ नहीं और ब, बड़ी बदतमीजी से बात की उस बैंक के बंदे ने कि तुम पैसे जमा कराते हो नहीं कराते मैं फिर तो वो मुझे ना इतना अजीब सा फील हुआ कि पता नहीं क्या मैंने वो कर दिया तो ये प्रोसेस इसीलिए मैं बताने का मकसद ये था कि दो के आपकी क्रेडिट क्रेडिट हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन सिस्टम में अगर आपने रहना है और ये चीज़ें यूज़ करनी है काफ़ी लोग इसको फ्री मनी समझते हैं काफ़ी लोग शॉर्टकट के चक्कर में इम्पैक्टफुली यानी कि लोन लेकर अगर वापस नहीं करते हैं दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इट कि वो जो फ्यूचर में आपकी उसमें पड़ता है वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू बी इन दिस्टम मेक श्योर कि आप बड़े अच्छे उसमें ताकि अगर वर्स्ट केस में आपको पैसे चाहिए भी हो तो देर इज़ एन एवेन्यू जिससे आप वो कर सकते हो बिल्कुल आपने दो दो तीन बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स पे टचअप ऑन किया एक एक तो मैं आपकी वो वाली बात से मैं आई एम आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न के आपने वो जो लोन वाली बात बताई कि सेवन परसेंट में आपने लिया हुआ आई पर्सनली फील चीप ए कैन बी अ मेक और ब्रेक मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पर्सनल फाइनेंस में भी जो बताई जाती हैं और uh, वैसे भी वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ जनरेशन में बताई जाती हैं आपका अगर पॉलिसी रेट बीस बाईस परसेंट पर चल रहा है और आप सात uh, परसेंट पर एक लोन uh, ले कर बैठें यूर योर गोल्डन आप पंद्रह बीस परसेंट की इनकम है दैट यूअर गेटिंग एंड वट बेटर यू नो यूज़ ऑफ़ दैट मनी आपके पास लिक्विडिटी भी है तो आई एम आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न दैट एंड आई फील लाइक मोर पीपल शुड अंडरस्टैंड फाइनेंस लाइक दैट तो ये यही चीज़ें वो जो रिच मनी माइंड सेट वाला एक चीज़ होती है यही ये, ये चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं बड़ा मेजरली दूसरी बात जो आपने की ऑन ऑन योर बैड एक्सपीरियंसिस पहले तो इंडस्ट्री की तरफ से आई एम सॉरी फॉर देट लेकिन uh, मैं चूँकि अब मैं ऐसा नहीं कि मैं खुद पच्चीस साल से बैंक करूँ बीस साल से बैंक हूँ मैंने अपना सारा टाइम बैंक में गुजारा है और uh, मैं इसी सिस्टम का हिस्सा हूँ uh, हम टेलको वाले लोग और फिनटेक एक एक नई ब्रीड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के फिनटेक वाले लोग अब आई थिंक हैं इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारे लोग हैं आई पर्सनली नो नो दैम आई वर्क विद दीज गाइज और बिकॉज ऑफ दीज गाइज़ और इन लोगों की uh, जो एक्सपीरियंसिस हैं या हमने जो चीज़ें देखी हम हमारा सोचने का तरीका बहुत मुख्तलि है मेरी करंट जॉब में एट जिंदगी एज द हेड ऑफ डिजिटल लैंडिंग इन वेल्थ मैनेजमेंट मेरा कोर जो एज ए लीडर और एज अज हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट जहाँ प्रोडक्ट्स बनाने की मेरे पे जिम्मेदारी है तो मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो इसी चीज़ पे होता है कि ये जो ओल्ड फैशन थिंकिंग है ना इवन विद इन बैंक्स उसको भी ख़त्म करना है ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आने और अगर कहीं पे कोई पुशबैक uh, आ रहा है तो आई नीड टू गिव देम दैट पुशबैक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल लाइक यू पीपल लाइक मी आर नॉट बैंकर्स और हैव स्टार्टअप्स, जिनके पास लिजेट जेन्यन रीजन है टू अवेल फाइनेंसिंग एंड दे कैन री पे एज वेल तो इट्स अ स्ट्रगल मैं आपको बताना चाहता हूँ इट्स नॉट ईजी फॉर मी इधर इंटरनली भी कभी कभी हमें uh, कुछ क्योंकि जैसे आपने रेस्ट डिपार्टमेंट का कोई ना कोई डिपार्टमेंट हो सकता है एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट इट्स हाउ देव बिन अप एक लेगेसी है एक, uh, एक एक सर्टन तरीका है वो भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो प्यार से बैठ के समझाना पड़ता है थोड़ा सा नए जमाने के साथ उन्हें लेकर आना पड़ता है uh, लेकिन ये कि आई आई फाइनेंशल सर्विसज प्रोवाइडर्स फिनटेक्स कमिंग इन टू प्ले एन बी एफ सीज आ रही हैं जो कि इन चीज़ों को ही टैकल करने के लिए आ रही हैं और ये डिजिटल uh, बैंक्स भी अब आ रहे हैं तो दिस इज गो बी ए लॉर्ड ऑफ कॉम्पिटिशन पीपल डू डेफिनेटली अंडरस्टैंड एस एम ईज़ और मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज़ और स्मॉल इंटरप्राइजेज या इवन थोड़ी लार्जर स्केल पर भी एंटरप्राइजेस के कैसे एक क्रेडिट uh, गैप एग्जस्ट करता है पाकिस्तान में बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम करना भी शुरू किया हुआ है एंड आई आई फील लाइक देर इज़ एंड ये मैं एज एन इंडस्ट्री का, का हिस्सा होते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि देर इज डेफिनेटली अ टिल्ट देर इज़ डेफिनेटली अ चेंज इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस लोग सोचते हैं अब इन चीज़ों के बारे में लोक डेफिनेटली दे मेक अ डिफरेंस फॉर फॉर द फॉर द लिटल गाए फॉर फॉर सम वन हुज़ रियली डिज़र्विंग या जो कि वाकई में जैसे यू नो आई सी यू 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 बिग टीम सम स्पलेंडेड तो मेरा मैं इस थोड़ा मैं अपना ले so लेकर like आ गया सो नहीं लेकिन रेलिवेंट है मैंने मुझे अभी भी याद है मेरे कुछ स्टूडेंट है वो हमसे शेयर भी करते हैं दे टुक लर्न फ्राम यू है uh, ज़ीरो परसेंट एंड ये आर सो एक्साइटेड के वीव टेकन एक्स अमाउंट ऑफ रुपीस रुपीस में कन्वर्ट किया माशाल्लाह वो भी आप चेक करें कि उन्होंने लोन लिया यूएई से एट ज़ीरो परसेंट वो उस वक्त थर्टी थर्टी फाइव के ऊपर चल रहा था दे कन्वर्टेड दिस इन टू पी केयर इन्वेस्टेड इन पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट अच्छा वहाँ पर क्योंकि बुरा टाइम चल रहा है एंड देन ऑल ऑफ ए सडन जो धर्म था वो थर्टी फाइव से फिफ्टी सिक्सटी सिक्सटी फाइव एक जगह वो कहते थे हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिलियन रुपये लगाए हैं तो वो चाहे सात लाख हो गए हैं तो उधर से उनको डिवैल्यू का पता चलता था तीस परसेंट वो भी डिवैल्यू होगी अभी चालीस परसेंट होगी है एंड देन दे कम एंड आस के सर हमने लोन लिया हुआ है वो स्टॉक में किया था ताकि कोई प्रॉफिट हो जाए लेकिन अब हम यहाँ पे स्टक के बताए क्या करें एंड इट्स सो स्टूपेड थिंग टू डू क्या आप लोन ले रहे हैं कि आप अपना फ्यूचर का पैसा ग्रो करें और लोन की रीपेमेंट बेशक ज़ीरो पे भी लगे आप ऐसी करेंसी में जाके कर रहे हैं जो कि प्रोवनती के अगर कोई मसला होगा तो उसको हेट पड़ सकती है सो yeah. so, लोग ना इस तरह की हरकतें करते हैं टू गेट क्विक रिच इस तरह hmm. का स्कीम होता है कि दे वॉन्टेड टू गेट समथिंग और वो कर दे सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि पैसे ना इस तरह नहीं बनते हैं कि मैंने अगर किसी से कर्ज लेकर ही पैसे बनाने हो रिगार्डलेस कि वो कोई बंदा हो सकता है या कोई बैंक हो सकता है या कोई भी हो सकता है या कोई ब्रोकर इट हो सकता है क्योंकि इट्स सो इज़ी टू पेज के यार ये जो लाख रुपये पे आपने दस हज़ार बनाए थे ना तो लाख अगर मैं भी दे दूँ तो ये तो बीस हज़ार बन सकते हैं और वो लाख जब ऊपर से आता है ना तो फिर लाख पे भी पैसा नहीं बनता वो दस का फिर पाँच हो जाता है और पाँच से फिर वो जब आधा होता है तो वो आपके सारे पैसे ही लिक्विडेट कर देता है एंड दिस पर्टिकुलर थिंग आई हैव सीन आप क्रिप्टो उठा लो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग उठा लो पीपल डोंट लूज़ मनी बिकॉज के कोई ट्रेंड एक हो रहा है पीपल लूज़ मनी बिकॉज वो ओवर लेवरेज कर देते हैं अपने okay. आप को जहाँ पे उनका पास फॉर एग्जाम्पल हज़ार डॉलर पड़ा हुआ है दे विल ट्राई और गेट इन टू एन ऐप चू कि उनको एक हज़ार के ऊपर फाइव हंड्रेड टाइम्स मोर पैसे दे इसका मतलब है वो ऐप ये कह रही है कि आप एक डॉलर जहाँ बना रहे हैं अब आप पाँच सौ परसेंट ज़्यादा तक भी बना सकते हैं hmm. ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो जज़ार डॉलर है दैट इज़ देअ मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिस दिन लॉस हज़ार डॉलर होगा तो आपका सारा पैसा लिक्विडेट हो जाता है और इन इन्वेस्टमेंट आई हैव सीन कि ये जो छोटी सी चीज़ है ना ये जिसको समझ आ जाए कि यार आपके अगर पैसे एक हज़ार स्पॉट में रहकर या विदाउट एनी लेवरेज आप अपर पैसे नहीं बना सकते ना तो यार विद लेवरेज तो आप कभी नहीं बना सकते और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने हज़ार को दस हज़ार किया और मैंने एक हफ़्ते के अंदर हंड्रेड परसेंट का प्रॉफिट कर लिया और मैं बड़ा खुश आके एक स्क्रीन लगा दी कि मैंने पैसे बनाए हैं दिस आई डोंट थिंक दिस विल वर्क सो so ये जो लोगों के नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द पीपल दे मेक लॉसेज इज बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न दे दे ओवर लिवरेज एवरी थिंग एंड देन दे ट्राई टू गेट रिच क्विकली एंड दे फेल एंड देन दे कम बैक यार ये इन्वेस्टमेंट या ये चीज़ ना ये नहीं कर सकता बंदा नहीं एंड uh, बहुत सारी मिसालें आपने जैसे कहा हैं uh, हमारे दोस्तों में बहुत सारी ऐसी हैं कोई हमारे रिलेटिव्स वगैरह होंगे किसी ने स्टॉक्स में पैसे लगाए होंगे और वो मार्जिन पे खेल रहा होगा और फिर सब बर्बाद हो गया और इवेंचुअली वो ये कहते हैं कि भाई अपनी पूरी अगली सात जिन नस्ट को कहते हैं भाई स्टॉक्स में तुमने इन्वेस्ट नहीं करना मुझे अभी भी याद है शायद अफरीदी का मैं बयान सुन रहा था बल्कि इनफैक्ट इमरान खान का भी इस पर था कि एटी फाइव में ऐसी मार्केट क्रैश हुई कि जो कुछ था ना सारा मेरा उसमें ख़त्म हो गया शायद अफरीदी अपनी एक वालदे की देते थे कि मैं पता नहीं 97 98 के अंदर रात बारह एक बजे मैं जद के लिए देखा तो माँ बाप दोनों रो रहे थे वो इसीलिए रो रहे थे क्योंकि उनका लॉस हुआ था लॉस किस किसपे होता स्टॉक पे, हो पे इन्वेस्टेड थे अच्छा मुझे ना कभी कभी समझ नहीं आती थी पहले तो समझ आती थी स्टॉक का जब समझ नहीं आता था कि इवन आ, आ, मेरे अपने कुछ रिश्तेदारों ने भी इन्वेस्ट किए हुए थे एंड दे वेन एवर आज टाइम क्या यार आपकी इन्वेस्टमेंट थी क्या कि वो तो लॉस होगी मैंने कहा लॉस तो होगी लेकिन वो कुछ शेयर पड़े होंगे ना कहीं पड़े होंगे कोई उसकी वैल्यू जीरो गई या क्या हुआ सो आइडिया क्या हुआ है कि आई थिंक लिवरेज इज़ दी ओनली वे वेयर यू कैन मेक लॉसेज अगर मैंने एक कंपनी दो सौ रुपये की ली हुई है एंड इफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज़ ट्रेडिंग एट फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी रुपीज़ तो इसका मतलब है मैं सेवेंटी परसेंट लॉस कर रहा हूँ hmm. इसका मतलब ये नहीं है मैं बर्बाद हो गया हूँ लेकिन अगर वो कंपनी फिर पाँच सौ भी, भी आ जाएगी इसका मतलब है कि मैं टू फिफ्टी परसेंट प्रॉफिट कर रहा हूँ तो लोगों को मेरे ख्याल में लेवरेज में अगर आप होंगे और अगर वो वाकई कंपनी दो सौ की थी और आपने हंड्रेड परसेंट लिवरेज भी यूज़ कर रहे थे तो हंड्रेड पे तो आप लिक्विडेट हो गए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको स्टॉक में लॉस हुआ क्योंकि आपने ओवर लेवरेज चीज़ उठाई वो कर दी अगर मेरे पास एक चीज़ पड़ी हुई है एक शेयर भी है और एक शेयर अगर पाँच साल बाद भी मुझे पाँच रुपये का डिविडेंड देता है तो वो मुझे मिलेगा क्योंकि मेरे मैं ओन करता हूँ लेकिन अगर वो शेयर लेवरेज करके लिया हुआ और कहीं पे भी इतनी हिचकोले आए मार्केट में तो वो लेवरेज वाकई मेरे से शेयर कर ले लेगी मेरे से तो मेरे ख्याल में ये इवन जितनी भी स्टोरीज़ है ना जहाँ पर हमें स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सुनते हैं कि हम लॉस कर बैठे हैं और हमारा सारा पैसा वहाँ पे हो गया था पैसा आपका तभी लूज़ हो सकता है जब आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ओवर लेवरेज हो और वो ब्रोकर ऑटोमेटिकली सेटल कर दे भाई आपने हज़ार रुपये की चीज़ ली थी उसके ऊपर हज़ार हमसे लिया था हज़ार पे जब 500 का लॉस हुआ तो आपको हम स्क्र ऑफ़ करके आपका अकाउंट बंद करें बट इफ़ यू आर होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म मेरा नहीं ख्याल कि जब तक कंपनी ज़ीरो पे जाती है और हैं ऐसी कंपनी जो कि शायद डीलिस्ट uh, हुई uh, हैं डिफॉल्ट हुई हैं कुछ हुई हैं लेकिन इफ़ यू आर होल्डिंग अ गुड कंपनी फॉर अ टी पीरियड ऑफ टाइम उसने तो इतना रिटर्न दिया है कि जितनी आपकी सोच भी नहीं है आई uh, थिंक बहुत अच्छी आपने साइड पे लेकर <laughs> लेकर गए अब कॉन्वर्सेशन को आई थिंक uh, uh, एक तो मेरा जो बड़ा सॉलिड uh, बिलीफ है इज ऑन द डिसिप्लिन वाला पार्ट uh, Uh, मेरे ऑफकोर्स स्टॉक्स uh, ऐसी चीज़ नहीं है मैं अकाउंटेंट हूँ मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं था तो मैंने पढ़े नहीं स्टॉक्स उस तरह से तो इट्स ऑल बिन टॉट टू मी एज वेल एंड बाई द एक्सपीरियंस अब प्रोडक्ट्स में क्योंकि जिंदगी ऐप इट्सल्फ भी में भी में रहते हुए वे आर द फर्स्ट वनस हु ऑफर स्टॉक ट्रेडिंग एज अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंस ऐप स्टॉक ट्रेडिंग कभी भी पाकिस्तान में नहीं दी गई थी थ्रू एनी फाइनेंशियल सर्विसज प्लेटफॉर्म इंडिविजअल स्टैंड लोन जरूर हैं ब्रोकरेज uh, हाउसेज़ की बट वी द फर्स्ट वॉन्स टू डू इट एंड हमारा बहुत सॉलिड बिलीफ है इस चीज़ का मेरा बहुत सॉलिड बिलीफ है द डिसिप्लिन पार्ट एक तो लेवरेज वाली चीज़ होगी प्लस पीपल वर्क ऑन टिप्स किसी से बात सुन ली कर दिया एंड पीपल डू नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वट आर द फंडामेंटल्स ऑफ अ स्टॉक दे डोंट वॉन्ट टू उन्हें आजकल क्योंकि हमारी जनरेशन भी ऐसी है कि मेहनत जहाँ करनी पड़े ना हाँ वह, वहाँ पर तो आप पीछे होके बैठ जाते हैं हालांकि मैं uh, मुझे भी जैसे द uh, वेट्स been टॉट टू मी एज़ वेल कि देर नीड्स टू बी a ट्रेडिंग सिस्टम और वट एवर सिस्टम इन प्लेस अ डिसिप्लिन इन प्लेस के स्टॉप लॉसेस का लोगों को नहीं पता होता ये सारी चीज़ें जो होती हैं uh, ये भी कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं वेन टू एक्चुअली क्लोज़ योर पोजिशन इस तरह की जो किए एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर कितना और आप वक्त दो अपनी इन्वेस्टमेंट को वाली चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है तो ये इस इस सब्जेक्ट uh, को इस स्पेसिफिक uh, प्रोडक्ट को इस पूरी इंडस्ट्री जो स्टॉक की इन्वेस्टिंग की इंडस्ट्री विच इज़ विच आई फील कि इतना आपको पर्सनल uh, फाइनेंस में हेल्प कर सकती है वेल्थ ग्रो करने में हेल्प कर सकती है पीपल आर कंप्लीटली बिलीविस टू इट आपकी पचहत्तर साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान में uh, जिन लोगों ने किया उन्होंने या तो लेवरेज लेके या टिप्स कर, करके उन्हें बर्बाद कर दिया और फिर अपने भी बच्चों को आगे कह दिया कि ना करो लेकिन जहाँ पे अच्छे अच्छी कंपनीज जो दैट हैव बीन थ्राइविंग फॉर इयर्स एंड इयर्स बड़े बड़े नाम हो गए मतलब आप इन कंपनीज के अंदर अपने पोजीशन लो द बेस्ट पार्ट अबाउट स्टॉक्स इज के आपको ऐसा नहीं है कि आपको उस कंपनी का शेयर होल्डर बन के आपको उस कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में मसरूफ रहना पड़ेगा द डे थिंग्स आर टेकिंग बेट ऑफ इट डिप मतलब अगर अगेन इफ़ यू आर कॉन्शियस इनफ आप अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम देते हैं यू क्लोज़ यूर पोजिशन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशोज़ आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप प्लेयर लॉन्ग करो और जैसे ही आपके सिस्टम से कोई चीज़ बाहर निकलती है आप क्लोज़ hmm. करो uh, मैंने देखा है जो लोग इस चीज़ को बड़ा रिगरसली फॉलो करते हैं hmm. वो कभी भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट uh, नहीं होते एंड वो इवेंशली एंड अप डूइंग मेकिंग मनी सो मेरा इसके ऊपर बड़ा सॉलिड बिलीफ है कि ये दिस इज सम अच्छा सॉरी uh, मैं थोड़ा सा बहुत ही सर्कल में लेकर गया सो यू बेसिकली वर्क इन द जैस कैश इन बेसिकली स्ट्रेटिजाइजिंग दिस द लैंडिंग पार्ट इज वेल सो कब तक आप जैस पे दे हाउ यू मूव सो आई थिंक अराउंड पोस्ट कोविड 2022 आई मेड द मूव टू जिंदगी जो एस बैंक आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टीम मेमर्स बिकॉज एट दिस पॉइंट जिंदगी हैड नॉट बिन लॉन्च तो मैं उन लोगों में साथ था जो विजन के पीछे आया था कि यार मुझे पता है कि ये जो आइडिया है अगेन वो एक स्ट्रैटी का एक एक एक्सपीरियंस होता है तो आपको आई लाइक द विजन हाउ द फाउंडर्स एंड एंड द स्पॉन्सर्स वर वट देर थिंकिंग तो एंड ऑल्सो आई थिंक क्योंकि मैं माइक्रो फाइनेंस बैंक और ये जो ये जो टेलको साइट्स थी ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की डोमेन के अंडर ऑपरेट करती हैं तो मेरा आ, बहुत ऑब्जेक्टिव था कि मैं एक कमर्शियल बैंक वज़ अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग कमर्शियल बैंक थोड़े डिजिटल उसकी एक, 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 एक आउटलुक है इनके साथ काम करूं, थोड़े लार्जर स्केल पे, उन बैंकर्स के साथ टक्कर <laughs> लूँ या उनसे सीखूँ जो जिन्होंने मतलब तीस तीस चालीस चालीस साल लगा दिए हैं बैंकिंग में मतलब आई वुड लव टू लर्न के वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग मे बी आई एम एबल टू फिक्स थिंगस सम हाउ प्लस दिजगा इस जिंदगी का जो इथॉस है जो बड़ा एक कोर है वो इज़ द जेंजीज इन द मिलनियम्स दे आर द फ्यूचर हमारी क्या सिक्सटी अच्छी खा जो मेजोरिटी ऑफ आर पॉपुलेशन इज सेंटर्ड अराउंड दिस स्पेसिफिक एज स्ट्रेटा तो मेरा मुझे एक एक वो इंक्लिनेशन नज़र आई मुझे अपनी तरफ से भी अंदर से आवाज़ आई कि यार नहीं ठीक है दिस इज समथिंग यू कैन डू इट्स ऑलवेज गुड टू टेक चैलेंजेस बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि यार अच्छा तुम यूर फाइन हेयर अगेन अलहमदिल्ला आई हैड वेरी गुड रिलेशनशिप्स विद माई एम्प्लॉयर्स बट यू नो जस्ट आई थिंक अभी थोड़ा सा अगर आप जिंदगी को बता दें कि वट इज दौर विजन विच यू आर बेसिकली फोकस्ड ऑन अभी के टाइम तक वट हैव यू अचीव एंड वट इज द विजन गोइंग फॉरवर्ड एज वेल आई वॉज देयर वेन इट स्टार्ट जिंदगी लॉन्च इन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी And uh, that was the time also when I entered Zindagi as well as the head of lending. And uh, uh, at this point, of course, the founder Noman Azhar, wo, he was very, uh, is a very vibrant personality, very dynamic personality. Or uh, he's grown very quickly, mashallah. I look at him, the energy he has. Or wo, I'm happy that people like him are actually at the forefront of doing things like Zindagi and. फाइनेंशियल सर्विस राइट कॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन तो उन्हीं की विजन थी एंड आई थिंक जे एस एम सर जो स्पॉन्सर्स हैं तो उधर विजन यही थी कि जेन जीज एंड मिलेल्स के जन, लिए स्पेसिफिकली बैंकिंग एक्सपीरियंस जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए बिक बैंक्स अगेन आर फोकस टूवर्ड्स the high net worth individuals or already banked population wo unhi me se hi jo nikal rahe hain and their apps are also made unki jo digital apps hain banks ki wo bhi phir unhi customers ke liye hain they're not fun their, their their experience is not something that a young uh, 20 21 year old would go for right because वो उनको zehen में रख के बनाई नहीं गई। Uh, तो ये एक uh, जो चीज़ है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो कि जेंजीज और मिलेनियल्स का मुझे लगता है कि एक और बहुत बड़ा देर वेरी देर क्विक लाइक दैट दे वांट टू मेक मनी हमसे पिछली जनरेशन शायद थोड़ी सी रिलैक्स uh, थी बहुत कंपटीशन नहीं था और यू हैड टू रिजॉर्ट टू कन्वेंशनल अर्निंग मेथड्स Uh, ये अब जो नई वाली जनरेशन uh, है स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ ऑन कमिंग ऑफ इंटरनेट देव सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फ्री लेंसिंग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स हर चीज़ इज ऐट देअर फिंगर टिप्स वो जो बीस तीस साल पहले अगर किसी ने स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना होता था तो वो दे वुड लाइक अखबार पढ़े होते थे कॉलों पे लगे होते थे ब्रोकर्स के साथ एंड सच ए टीडियस प्रोसेस आई थिंक वो सब इनके लिए डिजिटाइज़ करना कीपिंग देम इन माइंड कि दे वुड लाइक कस्टमाइजेशन दे लाइक कलर्स उनको एक यू you नो know, एक, एक, एक उनका अपना एक मिशन होता है और हमने फिर उसी चीज़ को टैप करने की कोशिश की हमारी बहुत हद तक जो पोजिशनिंग है स्टॉक मार्केट में भी वो एक इन्वेस्टमेंट ऐप के ऊपर भी है क्योंकि हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक्स वी आर द फर्स्ट फिनटेक टू हैव स्टॉक्स ऑन द ऑन द फाइनेंशियल ऐप साइड एंड अलॉन्ग साइड अदर यूज केसेस और उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी आई थिंक वी वर प्रटी मच द फर्स्ट वंस एंड हमने हमेशा ये सोचा है कि ये जो जनरेशन है या ये जो सेगमेंट है दे वॉन्ट टू मेक मनी और हमारा बहुत ज़्यादा फोकस जस्ट लाइक यू गाइस इज़ ऑन एजुकेटिंग दीज गाइस क्योंकि वो जो मनी ट्रांसफ़र है बिल पेमेंट है टॉप अप है हो गया बहुत हो गया अब यू नीड टू बी लुकिंग लाइक टेन इयर्स डाउन द लेन कि ये लोग अब क्या करेंगे आगे कैसे इनकी जर्नी आगे कैसे लेके जानी है स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे हर कोई इज़ सो नेगेटिव एवरी इज़ नेगेटिव किसी को कोई अच्छी उम्मीद दिखती नहीं है तो यू नीड टू बी गिविंग दम एवीन्यूज़ जहाँ पे वो अपनी लाइफ स्टाइल बेहतर कर सकें अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से संभाल सकें एवरी वन हैज़ फैमिली एवरी वन हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रेस में रहते हैं हम पाकिस्तानीज़ और मुझे लगता है कि दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग्स वीर ट्राइंग टू अचीव वे आर गिविंग दम अपॉर्चुनिटीज़ टू इन्वेस्ट ग्रो देअर वेल्थ सेव यू नो एंड लोग समझते हैं कि जैसे सेविंग प्रोडक्ट्स होना बड़ा ज़रूरी है या मतलब उसको भी आप इनको इस इस सेगमेंट को बड़ा गेम अंदाज़ में कह सकते हो यारे यू नो जस्ट कीप दैट मनी इतने अर्से के लिए हफ्ते के लिए एंड विल जस्ट गिव यू लाइक अ रिवार्ड एंड वो गेम उसका अगर आप एक वर्जन बना दो तो देट बी लाइक अच्छा यार ये तो ये तो कभी किसी बैंक ने किया ही नहीं ये इतने सिंपल तरीके से कोई आ, हमें आ, इवन सेव करना भी सिखा रहा hmm. so it's things like this uh, that we were trying to achieve uh, of course with the commercial banking license uh, we we are at a certain advantage अभी पिछले अर्से में डिजिटल बैंक्स की बात हुई थी आपको पता है कि पाकिस्तान में डिजिटल बैंक्स आ रहे थे और वो एक बड़ा शॉर्ट आफ्टर स्पेस था जहाँ पे हर कोई होना चाहता था आ, लेकिन मुझे लगता है कि इफ़ यू एंड स्टेट बैंक को भी ऑफ कोर्स ही नज़र आता था लेकिन ये कि मुझे पर्सनली भी ये लगता है कि कमर्शियल बैंक के साथ जो फिनटेक्स अटैचड हैं उन्हें कभी वो शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस ऑलरेडी इज़ अ वेरी स्ट्रांग लाइसेंस इट गिव्स यू इंटरनेशनल पेमेंट्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शनस की इजाज़त देती है आपको लेंडिंग फ्रीली करने की इजाज़त देती है इधर बी इट कंजम्पन बेस्ड और प्रोडक्टिव बेस्ड तो इसी इन्हीं इन uh, चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वी मेड जिंदगी वॉज़ मेड एंड और uh, जिंदगी के अब आई थिंक वेर एट अराउंड टेन मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं इन अ मैटर ऑफ लेस देन टू ईयर्स ऑनस्टली इन ए मैटर ऑफ टू ईर्यर्स आई थिंक अब तो हमें दो सेकेंड एनिवर्सरी भी होगी हमारी लेकिन टेन मिलियन डाउनलोर्ड्स लाइक फाइव मिलियन साइनअप्स ये नहीं कह रहा कि मैं बोस्ट नहीं कर रहा कि ये बहुत बड़े नंबर्स हैं एंड हैविंग सम्राम दी इंडस्ट्री मैंने देखा है इन फिनटेक्स को कि वो उन्होंने ये स्केल अचीव किया है इससे भी बहुत आगे गए हैं लेकिन वो उन्होंने दे टॉक दर्स स्वीट टाइम कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मार्केट कैप्चर की Uh, one thing I'm very proud of is how quickly we've done it. Or uh, I think, you know, pat on the back and also kudos to the team who's tirelessly working to make life simple for like a lot of Pakistanis who So basically, Zindagi is a bank and an investment platform, both in the one. So. Uh, if i need to distinguish between zindagi from easypass or jazz cash so easypass or jazz cash primarily is based on uh, inter sort of transfer of the money retailers but zindagi on top of it also provide you the investment experience as well okay if you need to invest in any specific asset like mutual fund or stock market you can do that from zindagi as well um ब्रिलियंट क्वेश्चन लाइक आई थिंक हर किसी को ये आता होगा जहन में ये वाला क्वेश्चन ईजी पैसा एंड जाश आई थिंक दे बिकम कैटिगरी नेम्स ना एक सर्टन काइंड ऑफ सेगमेंट इज़ अटैच टू देम और वो ईजी भैसा को अपनी तमाम जरूरियात के लिए यूज़ करता है आज के दौर में तो वो देर इज नॉट अ लॉर्ड ऑफ डिफरेंस उनके पास भी अब ये वाली सर्विसेज आने लग गई हैं एंड मैं बिल्कुल भी उन्हें कॉम्पिटिशन के तौर पर नहीं देखता मैं यही देखता हूँ कि यार ये हम जैसे प्लेयर्स मार्केट में बैठ के अगर अच्छा काम कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों के ऊपर इस तरह यूज़ केसेज़ हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो इट्स एट देंड ऑफ द डे वे हेल्पिंग द मार्केट और इवेंचुअली हेल्पिंग आर सेल्व इज़ वेल कोई अगर कोई यूज़ केस के ऊपर अगर अवेयरनेस uh, क्रिएट करने की कोशिश करता है तो वो भी इवेंशली uh, जैसे मैं लोन्स की अगर मिसाल दूँ तो आज मैं अगर uh, हमारे ज़िंदगी में भी अगर मैं लोन्स uh, वो ऑफ़र करता हूँ तो वो लोन्स बहुत सारे लोग uh, दूसरे वाले फिनटेक्स uh, के पास यूज़ करके आए हुए हैं एंड नाउ दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग दे नो हाउ टू यूज़ इट लेकिन द प्राइमरी difference uh, that that there is is these guys are uh, attached with microfinance banks uh, and their uh, wallets per se uh, whereas we are attached with a commercial bank so which uh, differences are as to what a certain license can allow a certain fintech to uh, do and not do. so uh, just international transactions की मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल पेमेंट्स की बात कर रहा था वी बींग कमर्शल बैंक आपको पता है कि पेमेंट्स कार्ड्स के, के थ्रू हो रही होती हैं आपके जो प्रॉपर कमर्शियल बैंक्स उनके भी कार्ड्स के ऊपर आप फॉरन uh, ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं दीज गाइड्स आर नॉट रियली अलाउड टू डू दैट बाई वर्चू ऑफ द मैंडेट दैट दे हैव ये लेता बात है कि अब जैसे इजी पैसा इज नाउ हो डिजिटल बैंक इज हेल्फ वो बीट देर आल्सो इन द रनिंग तो वो दे बी एबल टू सून डू इट बट अगेन इट्स नॉट अबाउट कि कौन क्या कर सकता है कौन नहीं कर सकता है इट्स अबाउट एक्सपीरियंस वट ऑफ़ एक्सपीरियंस सर्टन ऐप इज गिविंग यू हाउ उसकी उसकी टारगेटिंग किस तरह से हो रही है हम वेर मोर गेट टूअर्ड्स जैनजीज इन मिलेर्स देयर मासर्स ब्रांड ऑफ कोर्स अब वो भी आई uh, थिंक अब तो हर ब्रांड ही इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे देर टारगेटिंग यंग पीपल क्योंकि यंग पीपल आर द फ्यूचर आप uh, कोई एफ एम सी जी उठा लें उनकी भी नई अब जितनी भी एडवर्टिजमेंट्स होती हैं वो, वो उसमें mm -hmm. जवान yeah. जहान लड़के लड़कियाँ होते हैं एंड बिल्कुल आई थिंक इट्स 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 अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम नाउ बिकॉज दिस गाइज डेफिनेटली आर कैन बी आर वेरी इंफ्लुएंशियल एज वेल कि वो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी कहते हैं तो हमारी भी जो एक बहुत बड़ा एक हमारा रीज़न uh, है फॉर व्हाई वी डू द वे वी डू इट इज बिकॉज वी फील के आई आई पर्सनली फील एज वेल के uh, ये लोग जो करते हैं देर देर एबल टू ट्रांसफ़र दैट ऑन टू देर parents their their friends their their relatives who may be in some peri-urban area या किसी rural area बैठे हैं social media पे हैं they can write like one pager document one pager अपनी thoughts वो share कर सकते हैं इसके ऊपर and लोगों को impact होता है इस चीज़ से कि यार अच्छा ये लोग बात कर रहे हैं, कोई influencer है for example तो so I I definitely believe that these guys are a very key player uh, these guys are key players in this uh, in the running for like better financial services for pakistan and that's how we are targeting them

Uh, आप क्रेसेंट uh, मून के ऊपर uh, बैठ करोगे या फुल मून के ऊपर बैठ करोगे एंड आई आई थॉट अबाउट इट एंड आंसर इज़ क्रेसेंट बिकॉज यू नो जो जिसका पोटेंशियल है आप उस, उस चीज़ के ऊपर बैठ करते हो एंड आई आई डेफिनेटली फ़ील के अगर हम किसी को इस जर्नी में हेल्प कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट नथिंग लाइक इट एक और लैंडिंग से रिलेटेड मेरा सवाल था एक तो चले माइक्रो फाइनेंस बैंक्स और ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं but there are a lot of new players in the lending side as well. Okay. matlab, ke itni apps, mm. even android pay, apple pay, even android need to ban some of the apps as well because they were not, not the right thing. so how, what is your take on the, uh, these sort of lending apps which are coming in pakistan? Yeah, this, this conversation could not have been completed without uh, touching upon this area. Uh, so we've had सम बैड एग्ज़ाम्पल्स इन द मार्केट इज़ वेल और ये सिर्फ पाकिस्तान का केस नहीं है आ, ये अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसा हो चुका हुआ है कि आ, कुछ ऐसे आ, प्लेयर्स होते हैं मार्केट में जो आके या कुछ ऐसे अनासर होते हैं मार्केट में जो आके एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते हैं लोगों की इस नीड को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते हैं बिक ये फाइनेसिंग की नीड ये कैश नीड जो है ये तो कहीं पर भी चले जाएँ आप है दुनिया में तो वो इस नीड को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते हैं और Um, अब हमारे केस में फॉर एग्जांपल जैसे है कि मैंने आपसे पहले भी बात की जस्ट टेकिंग यू बैक टू माय अर्लियर एग्जांपल कि हम उनकी एबिलिटी एंड उनकी विलिंगनेस दोनों को गेज करके उन्हें देते हैं आपको कुछ अरसे पहले ऐप्स कुछ नज़र आती होंगी जो कहती होंगी लाख रुपए का लोन ले लें भाई एंड दैट इज़ ए वेरी रिस्की बिजनेस क्योंकि आप किसी को ऐसे पैसे दे दो हंड्रेड परसेंट वो वापस नहीं आने वाला और इसी तरह से कुछ ऐप्स ने या कुछ इस तरह प्लेयर्स थे मार्केट में थोड़े अनरेगुलेटेड भी थे क्योंकि स्टेट बैंक तो हमारे पे एक बहुत सॉलिड चेक होता है स्टेट बैंक का दे वेरी एंड आई अप्रिशिएट द रेगुलेटर कि वो किस तरह से उन्होंने बैंक्स को इन लाइन रखा हुआ है विद द रेगुलेशंस

और ऑल्सो दीज प्लेयर्स वो आर ऑल्सो चार्जिंग लाइक हाई अमाउंट्स ऑफ फीस वगैरह जो कि दिखती भी नहीं होती थी एट द फोर फ्रंट और वो बैक एंड पे लगती चली जाती थी mm -hmm. तो ये तो आई थिंक इट्स अ इट्स अ क्राइम एज अ रिस्पॉन्सिबल लैंडर माई सेल्फ आई एम वेरी वेरी कॉक डिजल्ट ऑफ द फैक्ट कि ये चीज़ें शुड नॉट बी अगर वो अनसिक्योर्ड है तो वो दिट्स अ रीज़न वायट्स अनसिक्योर्ड एंड यू कांट बी पेट्रनाइजिंग द कस्टमर लाइक दैट एंड अगेन अगर तो उसकी कभी uh, उसकी फाइनेंशियल बैकबोन ही नहीं थी उस लोन को रिटर्न करने की देन यू एज अ लैंडर शुड नॉट है टू हेम तो ये कुछ एक बैक एंड फोर्थ होता है बिटवीन द लैंडर एंड एक इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप दैट द लैंडर एंड द बोअर बोथ हैव टू एग्जिबिट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट है वो एग्जिबिट दोनों को करना होता है uh,

बैंक्स और जो फिनटेक्स uh, हो सॉरी माइक्रो फाइनेंस बैंक्स अगर आप जाके देखें मैंने एक ज़माने में फैसलाबाद और लाहौर के पेरी अर्बन एरियाज़ में मैंने डेढ़ दो हज़ार ख़ीन जो बॉर्स थीं उनके मैंने लोन वेरिफिकेशन करता होता था जाके दिस इज़ लाइक बैक इन टू थाउजेंड बाइक पर हम जाते होते थे और पतली पतली गलियों में वहाँ पर अंदर उनके साइट ऑफिस होते थे यही माइक्रो फाइनेस बैंक्स वों के और मैं लाल खातून और पता नहीं कौन कौन सी खुवान के मैं इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ बेचारी माइयाँ होती थी ऑफिसिज में आई होती थी तो खैर पॉइंट बीइंग कि ये माइक्रो फाइनेंस एक सर्टन लेवल एक सर्टन क्लास को एक सर्टन किस्म के लोगों को एक सर्टन अमाउंट ऑफर करता है विच इज़ वे लेसर एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक बट एट द सेम जिस पर कमर्शियल बैंक डिफरेंट रेट्स बिकॉज ये बहुत छोटी अमाउंट है ये मैं बीस तीस हजार रुपये की बात कर रहा हूँ फॉर सेम होते हैं लेकिन माइक्रो प्रोपेंसिटी फॉर देम टू गो अटल हायर वो, okay, होता, है, वो है। होता है आउटरीच uh, ज्यादा होती है क्रेडिट uh, हिस्ट्री नहीं होती ये सारी की सारी चीजों को वो केटर फॉर कर रही होती है एंड अगेन बिक वो छोटी अमाउंट के ऊपर कमा रही होती है तो वो आई थिंक वहाँ पे भी एक ना परसेंटेज वो थोड़ा आ, हायर साइड पे चार्ज कर रही होती है हमारा ना हमारे नाम से एक माइक्रो फाइनेंस को भी एक नाम इशू हुआ था मेल्स अच्छा, मैसेजेस मतलब कि इतना तो मैं डिजिटली करके भी नहीं अपने आप को मार्केट कर सका जितना अन एक ऑर्गेनिक वे में मेरे पास कॉल्स आती थी इवन आई रिमेंबर दे वॉज सम बैड एक्सीडेंट विच हैपन इन दिस पर्टिकुलर थिंग दे वाज सो मच हेट यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कॉल्स पे मेरी वीडियोस के नीचे कि आप ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी बातें करते हो और बैक एंड पे आप मैंने कहा यार हम नहीं करते हैं हम लोन नहीं देते हैं हम लोन नहीं देते हैं <laughs> एक भाई साहब ने तो लिंक्डइन पे रीच आउट करके बकायदा धमकी दी है कि तुम्हारी वजह <laughs> से तो <laughs> आई एम रीचिंग आउट टू यू फिर मैंने उसको समझाया यार हम लोग नहीं है वो जो आप समझ रहे हो एंड देर इज़ सो मच उसमें लेकिन दी अगेन दी आइडिया इज़ के फिर uh, एक दो प्रोग्राम जब मैं मैं गया तो पहला सवाल ये होता था कि आप लोन्स देते हैं कि नहीं देते हैं सो इट वॉज सो सो जो जिस चीज़ में हम कोशिश करें कि हम ये हैं हम उसको मार्केट नहीं कर पा रहे और जो हम नहीं कर रहे हैं ऑटोमेटिकली पीपल कम एंड रिकगनाइज़ विद यू द नेम सो मार्केट में ना बड़ा डिफरेंट होता है सर थैंक यू वेरी मच आई थिंक काफ़ी uh, ज़बरदस्त डिस्कशन होगी है हमारी उसके ऊपर अगेन पीपल नीड टू अंडरस्टैंड के यू नीड टू टेक दिस एज एन अपर्चुनिटी कहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कहीं पे आपको जरूरत भी पड़ सकती है लर्डिंग को मैंने बाय द वे जो मैं बात कर रहा था ना कि बैंक्स में जाके लोन अप्लाई किया आई थैंक गॉड कि मैंने एक डिसीजन लिया था लेने के वक़्त तो मैंने ना 2019-20 में ही गाड़ी ली थी ना तो गाड़ी लेते वक्त ना मेरे पास ऑप्शन थी क्योंकि मैंने आपको बताया प्री कोविड मेरा अच्छा एक कंपनी का साल था सो आई डिसाइडेड कि मैंने ना फुल गाड़ी की पेमेंट अपफ्रंट पे कैश पे दूंगा बैंक से नहीं लूँगा ना देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार हालात का कुछ पता नहीं चलता बेटर यू शुड बी विद कैश रादर देन के hmm. आपको पीछे भागना पड़े सो वट आई डिड कि मैंने वो जो गाड़ी थी ना वो बैंक पे uh, मैंने कहा जी मैं बैंक से लेता हूँ जाके मॉर्गेज करा दी गाड़ी तो उन्होंने उस वक्त भी मुझे ऑफर दी ना कि दिस इज़ ए फिक्स सॉर्ट ऑफ के, uh, sort of के आपसे हम कभी एक्स्ट्रा नहीं वो करेंगे तो आप ना फोर्टीन पॉइंट नाइन नाइन पे हमसे गाड़ी ले लो मैंने कहा अच्छा वेल well एंड गुड कोविड फिक्स पे ले लिया आपने। फ़िक्स पे ना उन्होंने yeah. कहा मैंने कहा वेलेंट इनको दे दो ना मुझे चाहिए अच्छा कोविड आ गया गाड़ी की बुकिंग होगी गाड़ी नहीं आई ठीक है तीन चार महीने इधर से मजे की बात कि वो पैसे मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किए हुए थे और इन्वेस्टेड ही रखे मैंने उसका पर्पज़ ये नहीं था कि मैंने पैसे करके कुछ है ना मैंने कहा था दिस शुड बी समथिंग विच इज़ विच शुड बी ने अप्रिशिएटिंग एसेट ताकि जब कल को मुझे ज़रूरत पड़े होपफुली मुझे जरूरत ना पड़े लेकिन जब भी जरूरत पड़े तो इट शुड भी इन्वेस्टेड तो मैंने एव एन के शेयर लेकर ना उसको हुँ. इन्वेस्ट कर दिया हुआ क्या कि गाड़ी आना बंद होगी स्टॉक मार्केट टैंक होना स्टार्ट होगी <laughs> तो एक टाइम पे होता है ना बंदे को होता है यार काश मैंने गाड़ी ले ली होती हुँ. ना स्टॉक की प्राइस भी नहीं चाहिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता खैर मई जून में अप्रैल मई में गाड़ी आ गई मई जून के ऊपर स्टॉक की रिकवरी भी होगी सो देर वॉज ए टाइम के मैं आई वॉज़ कैलकुलेटिंग के सिर्फ एक साल के अंदर ये मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा आई बॉट दैट पर्टिकुलर शेयर जो कंपनी के शेयर हुए थे अगर मैं एक साल बाद उस कंपनी के शेयर सेल करता तो मैं चार होन्डा सेविक ले सकता था मैंने होंडा सेविक ली थी वाई दावे सो <laughs> <So>, मैंने सेल <laughs> तब भी नहीं किए और मैंने अभी भी होल्ड करके कर रखे हुए हैं आइडिया वॉज टोटली डिफरेंट सो वेन आई वॉन्ट रियली वॉन्टेड द मनी बैंक डिड इन गिव मी दैट पर्टिकुलर मनी सो वट आई डिड एवन सियन सिक्सटी नाइन पाँच हज़ार सेल कर दो एवनसियॉन एटी फाइव दस हज़ार सेल कर दो एवनसियॉन एक सौ दस पाँच हज़ार सेल कर दो सो so, मैंने अपनी नीड को पूरा किया बाय सेलिंग द स्टॉक एट ए हायर रेट जिस पे मुझे कैपिटल लिक्विडिटी की और अगेन लोग बात करते हैं लिक्विड थिंग्स अवेलेबल हैड आई बॉट सम सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी और समथिंग, मुझे पूरी सेल नहीं करनी चाहिए थी ना तो मैं तो पाँच पाँच दस दस करके जितना प्रॉफिटेबिलिटी करके कर रहा था mm. अपनी चीज़ वो कर रहा था सो so, आज भी गाड़ी मेरे पास है ठीक है प्रॉब्लम क्या है कि आज काइबर प्लस फोर करें तो गाड़ी शायद 11 परसेंट मुझे सस्ती मिली हुई है जितनी बेचारी बैंक को महंगी पड़ रही है ठीक है सो द स्टॉक प्राइस इज़ डाउन बट आई एम स्टिल हैप्पी कि जो मेरी प्रॉफिट टेकिंग थी दो इट वाज नॉट प्लान इट वॉज फॉर द सेम पर्पज़ जिसके लिए मैंने बोली थी yeah. वो दोनों चीज़ें बैलेंस आउट होगी आई एम कीपिंग द्रिशिएटेबल एसेट एंड ऑल्सो द एसेट इट और दोनों बैलेंस आउट होकर मुझे ही बेनिफिट मिल रहे हैं सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच पीपल नीड टू अंडरस्टैंड पर्सनल फाइनेंस इफ़ यू अंडरस्टैंड क्वाइट वेल इट कैन गो इन योर फेवर अगर आप, आप बंद कमरे के अंदर जाएंगे और आपको कहेंगे जी मुझे ठोकर ना लगे वो तो तब तक लगेगी सो आई अगेन ट्राई टू सेल पीपल के यार इस द एजुकेशन विच विल और ये छोटा सा माइंड है जिसने आपकी पूरे एक्शंस और डायरेक्शंस बतानी है इफ़ यू नो हाउ यू नीड टू प्ले यू कैन डू वेल इफ़ यू डोंट नो यू कैन ब्लेन दिस्टम ऑन एनी थिंग बट यू इन द लूजिंग हाँ नहीं बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पर्सनल फाइनेंस आई थिंक हम मेरे तो दिल के काफ़ी करीबी सब्जेक्ट है हम uh, हर फ्राइडे को एज ए टीम एक्चुअली पब्लिशिंग इसी तरह के छोटे छोटे टिडबेट्स उसे फाइनेंशियल फ्राइडेज़ कहते हैं और वो ही मेरा इनिशिएटिव था कि कस्टमर्स uh, को इस तरह की आप थोड़ा थोड़ा करके आप इन्फॉर्म करते रहे तो इट गोज़ अ लॉन्ग वे यही जिस तरह आप छोटी छोटी एग्जाम्पल्स दिला रहे हैं देर आर मिलियंस ऑफ एग्ज़ाम्पल्स इवन कार कि जो लोग uh, इस तरह के हालात में पाकिस्तान के हालात में भी बैठ के देर मेकिंग मनी ये जो अभी लास्ट स्टॉक मार्केट की एक वेव आई थी uh, जब हम मतलब फोर्टी से आज जो हम सिक्सटी फाइव पर बैठे हुए इज़ लाइक सो मेनी पीपल वुड हैव मेड मनी इन दिस जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा हम सिर्फ बाहर जाके बात कर रहे हैं

पाँच मिलियन पचास लाख जितने आज फाइनेंशियल सर्विसेज की एप्स यूज़ कर रहे हैं उतने ही लोग स्टॉक्स में क्यों नहीं इन्वेस्ट हो सकते तो मैं तो आई आई फील लाइक ये दिस इज़ लाइक अ ग्रीन फील्ड अभी तो लोग आई थिंक एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी इन इट क्योंकि देर आर एंट अ लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ यू यू शुड स्टार्ट योर पर्सनल फाइनेंस जर्नी यू शुड एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें आप किसी भी असर क्लास में जा सकते हैं लेकिन जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप yeah. वो आप नहीं लेंगे और आप बैठे रहेंगे और आप या तो न्यूज़ चैनल देखते रहेंगे और अपना अपना कहते हैं ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करवाते रहेंगे या आप लोगों को देख के आप Uh, परेशान होते रहेंगे कि यार ये तो इसने कर लिया मैं भी कर लेता तो मतलब जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप आई फील लाइक कि टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप इवन वो छोटा सा भी हो वो स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है एंड देर आर सो मनी अब ये वो वाला टाइम नहीं रहा जहाँ पर आपको सौ मील जाके बैंकों के पास जाना पड़ता था ये वो टाइम नहीं रहा जहाँ पे आपको अकाउंट खुलवाने के लिए ब्रोकर के पास दो डेढ़ दो दो, दो लाख रुपया जमा कराना पड़ता है अब थिंग्स आर सो इजी सो इजी कि आई विश आई विश और हम और इजी से इजी के आदि भी होते जा रहे हैं अब तो सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग हमने थोड़ी कोशिश की ना लोगों को सिम्प्लीफाई करके yeah. बताने की सो वेन एवर वी से कि ये वो डेली रोज़मर की चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं अगर आप इन्वेस्ट भी करें तो यू कैन मेक सो मच अमाउंट ऑफ मनी एंड देन आई आई फाइंड इट सो स्ट्रेंज हाँ काश हम उस टाइम पर बिटकॉइन भी ले लेते हैं एंड ये मैंने कहा यार उससे क्या फर्क पड़ता है यार तुम बिटकॉइन भी ले लो अभी ले लो अभी ले लो दो so, दस <laughs> साल बाद की क्यों सोच रहे हो ना उसको करने बट दी होल आइडिया इज की आई थिंक टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट डजेंट मैटर यू यू इधर मेक मनी और मेक लॉसेज बट टिल द टाइम यू एक्सपीरियंस इन द रियल मार्केट यू विल नॉट बी एबल टू सी जब तक आप गोता नहीं लिखाएंगे दरिया में तो आप स्विमिंग कैसे सीखेंगे यूट्यूब पर बैठ के तो नहीं सीख सकते बिल्कुल बिल्कुल

अगेन जो दी होल आइडिया ऑफ डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस थिंग वॉज टू बेसिकली मेक श्योर कि आपको आइडिया हो लोगों को इवन क्रेडिट रेटिंग से भी नहीं पता कि वाई दे आर इम्पॉर्टेंट इन योर पर्सनल लाइफ देर आर सर्टन टाइम्स जब शायद आपको जरूरत पड़ेगी किसी चीज़ की और वो क्रेडिट रेटिंग बिकॉज ऑफ सम बैड लोन और सम थिंग विच यू हैव नॉट गिवन इट बैक कैन बेसिकली हर्ट यू अलॉट इन योर फ्यूचर लाइफ एज वेल सो इसको प्लीज़ सीरियस लीजिएगा एंड ऑब्वियसली इन्वेस्ट इन दप्रिशिएटिंग एसेड जहाँ से आपको बेहतर रिटर्न भी मिले एंड यू बिकम फाइनेंशियली हेल्थी एज वेल आई विल सी यून नेक्स्ट एपिसोड थैंक यू